गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 1 मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो क्या भैया इस वीडियो में हम यूनिट 1 पूरा कवर करेंगे? हाँ, यूनिट 1 पूरा कवर करेंगे। ये कौन सा सिलेबस है भैया? बीकॉम सेकंड ईयर का सिलेबस है। ठीक है, तो इसमें देखो हम सबसे पहले क्या क्या डील करेंगे समझते हैं। हम बात कर लेते हैं, देखो हम डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट का। ठीक है, इसके मतलब ये जो यूनिट 1 है ना आपके सेमेस्टर में, ये आपको बताएगा कि मैनेजमेंट है क्या, मैनेजमेंट की थ्योरीज क्या है। ठीक है, मतलब टोटली जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है ना वो इस वीडियो में हम पूरा समझेंगे। यूनिट 1 भैया क्या है, मैराथन जैसे? हाँ, पूरा ये मैराथन है यूनिट 1 का। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले डेफिनेशन में बात करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन के बाद हम किस में जाएंगे, मीनिंग इन ओन लैंग्वेज, मतलब समझेंगे कि भाई मैनेजमेंट है क्या है, ठीक है, क्यों लाया गया, सबको देखेंगे अपने लैंग्वेज में। ठीक है, और क्या है मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, देख लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, नेचर्स देखेंगे हम, मैनेजमेंट का प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, प्रोसेस के बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट देख लेंगे। ठीक है, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे, अथॉरिटी मतलब किस किस लेवल में होती है, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ये सब क्या होता है, मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, फंक्शन एरिया ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजर क्या करता है, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कहाँ से हुआ, मैनेजमेंट आया कहाँ से भैया, ये भी तो हमको क्या पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ठीक है, उसमें अप्रोच है क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेसी वाला, ब्यूरोक्रेटिक हो गया। ठीक है, हाँ थ्योरीज देख लेंगे। ठीक है, थ्योरीज के बाद हम क्या करेंगे कवर, थ्योरीज के बाद हम, हाँ ब्यूरोक्रेसी ये सब हो गया, नियो क्लासिकल मॉडर्न अप्रोच क्या होता है, और ये लास्ट छोटा सा टॉपिक होगा आपका क्या क्लासिकल और नियो क्लासिकल में डिफरेंस होगा। ठीक है, ये सब हम भैया यूनिट 1 में पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, हाँ पूरा कवर करने वाले हैं, मतलब भैया ये वीडियो देख लिया तो पूरा कवर हो जाएगा हमारा यूनिट 1? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखो समझते हैं, अब समझना। ठीक है, ध्यान से देख लेना, बैठ लेना एकदम, मतलब 1 मैराथन जाने वाला है पूरा, एक ही मैराथन में सब खत्म करेंगे यूनिट 1 का। चलो स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट। तो देखो मैनेजमेंट मतलब क्या होता है भैया, मैनेजमेंट हम वर्ड सुनते ही हमको दिमाग में क्लिक करता है, माइंड में आता है कि भैया कुछ तो भी रिसोर्स होगा जिसको क्या करना है, हम मैनेज करना है। मम्मी बोलती घर में क्या करो, हर चीज को अरेंजमेंट करके रखा करो। हाँ, क्या ये मैनेजमेंट हुआ, समझेंगे इसको। ठीक है, इसमें अब देखो इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन क्या बोलता है, मैनेजमेंट इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन विच इज प्राइमरी कंसर्न विद कैरिंग आउट ऑफ बोर्ड ब्रॉड पॉलिसीज एंड लेट डाउन बाय एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है भैया, क्या लिखे हो, कुछ समझ नहीं आया हमको, बताओ। ठीक है, मैं तुम लोग को बताता हूँ, देखो इसीलिए मैं इस लैंग्वेज में लिखा हूँ। मैनेजमेंट क्या है, अरेंजमेंट प्लस रिसोर्स इज इक्वल टू मैनेजमेंट होता है। कैसे भैया, देखो रिसोर्स में क्या हम लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग, रिसोर्स में सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स बस आते हैं क्या? नहीं, लिविंग थिंग्स भी आते हैं, वो भी एक रिसोर्स होते हैं। कैसे, देखो समझना, मैनेजमेंट एक फोर्स है। ठीक है, फोर्स कैसे मैं बता रहा हूँ, देखो मैं बोला रिसोर्स में क्या कवर होता है, देखो रिसोर्स में ये इन्वेंटरीज एसेट्स क्या होते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ये लिविंग थिंग्स है, ये बंदा है क्या है, ये क्या है, लिविंग थिंग्स है। ठीक है, तो इसका जब हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं किसमें, कंपनी में, फर्म में, बिजनेस में, तो वो क्या होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, मैनेजमेंट बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा, हुआ होगा। हाँ भैया, एक लाइन में बताया आप, मैनेजमेंट क्या, अरेंजमेंट प्लस रिसोर्स बोले इज इक्वल टू मैनेजमेंट। ठीक है, समझे ना, अब आगे बढ़ते हैं। देखो रिसोर्स में तुम लोग को बता दिया, रिसोर्स का मतलब यही बस नहीं होता कि भैया ये मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो हमारा रिसोर्स। भाई रिसोर्स वो चीज है जो आपको ह्यूमन रिसोर्स को भी इंक्लूड करता है, इन्वेंट्रीज हो गया, एसेट्स हो गया, मतलब इन शॉर्ट लिविंग थिंग्स प्लस नॉन लिविंग थिंग विच इज यूजफुल फॉर योर बिजनेस इज कॉल्ड रिसोर्स। ठीक है, अब देखो भैया हम लोग क्या समझे अभी, मैनेजमेंट क्या होता है, हम लोग समझ लिए। ठीक है, मैनेजमेंट ये देखो ये क्या बोल रहा है, मैं बताता हूँ। देखो एग्जीक्यूटिव फंक्शन, मैनेजमेंट क्या है, प्राइमरी स्टेज होता है किसका, सब बिजनेस का। ठीक है, विथाउट मैनेजमेंट आप कोई भी प्लान को क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए बोला क्या ये एग्जीक्यूटिव क्या है, फंक्शन है। ठीक है, क्यों भाई, इसमें क्या बनता है, पॉलिसीज बनती है, देन वो क्या होता है, इंप्लीमेंट होता है किसके, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। अब समझे क्या बोला लाइन, ओके ओके भैया। चलो भैया मैनेजमेंट तो एकदम आप ब्लड में दौड़ा दिए, ठीक है,
मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक समझो क्या होता है। देखो मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है। हाँ भैया प्रोसेस कैसे है भाई, प्लान करना है, प्लानिंग के बाद क्या करना है उसको हमको क्या करना है, वो इंफॉर्मेशन को एम्प्लॉयज को देना है या फिर वर्कर्स को देना है भाई, ये चीज को आप क्या करना है प्रोड्यूस करना, मतलब कि ये बोल रहा हूँ इन शॉर्ट मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कैरी करता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग और कंट्रोलिंग, ये सब क्या है, ये प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक्शंस होते हैं। एक्शंस होते हैं किसके लिए, एक्शंस होते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और इसको ग्रो करने के लिए क्या लगता है, मैनेजमेंट लगता है। क्यों, क्योंकि भाई मैनेजमेंट के बिना हम किसी भी चीज को विथाउट अरेंजमेंट करे बिना हम बिल्कुल बिजनेस को रन नहीं कर सकते, इसलिए मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है और इम्पोर्टेंट है बहुत, ठीक है। विथाउट मैनेजमेंट भाई सब अपना अपना, मतलब ये बोल रहा है ये डिपार्टमेंट अलग बात कर रहा है, ये डिपार्टमेंट अलग बात कर रहा है, ये रिसोर्स यहाँ अरेंज होना चाहिए, नहीं हो रहा है, तो क्या है, ये सबको अरेंज करने के लिए एक एक हिरार्की लगेगा, एक हिरार्की मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन लगेगा जो क्या करेगा, हर एक डिपार्टमेंट को क्या करेगा, इंफॉर्मेशन लेगा, ठीक है, और ये सबको अरेंज करना मैनेजमेंट है। क्या है ये सब, रिसोर्स है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल भैया। मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस है, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, प्रोसेस और एलिमेंट्स। देखो अब मैं बताता हूं प्रोसेस एक बार फिर से तुमको, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग को क्या करना, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या लगता है हमको, इम्प्लीमेंट करना किसको, एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स मतलब वही हो गया क्या, रिसोर्स हो गया, ठीक है। हम क्या करें प्राइमरी स्टेज में, प्लान सेट करें, देन उसको क्या करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है, तो ये चीज बात करें इसमें। अब देखो प्लानिंग मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी क्यों है भैया, भाई एक बंदा क्या अकेले बिजनेस को रन कर सकता है क्या, अगर वो विथाउट सोल प्रोप्राइटरशिप जा रहा है, नहीं कर सकता भैया। बिजनेस है, आप बड़े लेवल में जब बिजनेस करोगे, हर एक इंसान वही प्रोड्यूस गुड्स नहीं कर सकता, वही सेल आउट करने नहीं जा सकता, वही ऑफिस वर्क नहीं कर सकता, तो भैया क्या रहता है, इसमें एक हिरार्की सिस्टम रहती है, ओनर, ओनर के बाद उसके अंडर में आएंगे क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स आएंगे, ठीक है, उसके बाद क्या आएंगे, एम्प्लॉयज के बाद जो वर्कर्स है, ऐसे करके इस सिस्टम जो बन रही है वो क्या है, एक हिरार्की फॉलो कर रहे हैं, एक लेवल है उनका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, ग्रुप एक्टिविटी बता दो, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटी कैसे है, देखो अचीवमेंट ऑफ गोल्स एंड कोऑर्डिनेशन, क्या बात कर रहा है, देखो हर लेवल में क्या होता है, डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। अब देखो परचेज डिपार्टमेंट है, ठीक है, अपने पास क्या है, परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, और क्या हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा एक, ठीक है, कुछ तो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब समझना भाई, इन दोनों के बीच क्या बैठनी चाहिए, इन दोनों के बीच हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक कॉमन गोल होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो क्या भैया मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, हाँ ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि ये सबको तो मैनेज करना है ना, मैनेज करना इज इक्वल टू क्या हो रहा है, मैनेजमेंट करना हो रहा है, ठीक है, तो ये बात कर लिए इसमें, ग्रुप एक्टिविटी समझे ना तुम लोग क्यों है, सबको साथ लेके चलना है तभी तो गोल होगा, गोल को अचीव कर पाएंगे, ठीक है भाई। एक समझना, इसको रिलेट करते हैं, फुटबॉल मैच हो रहा है, ठीक है भाई, जो भी प्लेयर है वो अकेले गोल करने तो नहीं जाता, वो क्या करता है, पासिंग करता है, पासिंग आउट करता है बॉल को, ठीक है, वन प्लेयर टू सेकेंड प्लेयर, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो साथ में वो बॉल को उस कॉर्नर तक लेके जाते हैं, देन गोल इट, तो ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, प्लस उसमें कोऑर्डिनेशन बैठना चाहिए भाई, पासिंग ये बंदा मांग रहा है, आप पास उसको कर रहे हो, तो क्या है कोऑर्डिनेशन, सेम क्या हो रहा है बिजनेस में, इंप्लीमेंट हो रहा है ना ये चीज, हाँ भैया, मतलब ग्रुप एक्टिविटी को तो आप एकदम सही बता दिए, मतलब ब्लड में अभी अभी, तो हमने क्या समझा, मैनेजमेंट समझ लिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, क्यों प्रोसेस है, इसमें क्या हो रहा है, प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, किसका, प्रोसेस का, किसके ऊपर, एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटी क्यों है भैया, इसमें क्या करना पड़ता है, हम बिजनेस उसमें भाई स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारे बंदे होंगे, परचेज डिपार्टमेंट होगा, इंप्लॉयज होगा, क्या बोलते हैं वर्कर्स होंगे, तो भाई सबके बीच क्या होना चाहिए, एक कॉमन गोल होना चाहिए,
प्लस क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन। विदाउट कोऑर्डिनेशन तो आप वर्क ही नहीं कर पाओगे भाई। वो अलग सुनेगा, वो अलग सुनेगा, वो अपने मन की करेगा, ये अपने मन की करेगा, तो जरूरी है क्या कोऑर्डिनेशन। चलो भैया, दो पॉइंट एकदम मक्खन। अब बोल दिया मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल। यूनिवर्सल इस सेंस में बोल रहा है, देखो भाई मैनेजमेंट है वो हर जगह अप्लाई होता है, इसलिए इसको क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल बोल रहा है। अब भाई इंडिया में क्या मैनेजमेंट अलग होगा, अमेरिका में मैनेजमेंट अलग होगा क्या? हाँ भाई, मैनेजमेंट तो हर जगह सेम ही होगा ना, है ये। हाँ ये अलग हो सकता है कि उसकी पॉलिसीज अलग है, इनके गोल्स अलग है, वो अलग मैटर है। बट मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट जो जिस सेंस में एग्जिस्ट कर रहा है वो तो हर जगह सेम होगा ना। हाँ सेम होगा भैया, यूनिवर्सल क्यों बोल रहे हैं, समझे ना तुम लोग को। हाँ भैया एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया ये तीन पॉइंट। अगला बता दो, मैनेजमेंट इज ए परवेसिव। भैया ये परवेसिव क्या होता है ये बताओ जरा। परवेसिव मतलब ये होता है बच्चा पार्टी, जो हर जगह एग्जिस्ट हो हर सिचुएशन में, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है, वो हर जगह होता है। इसलिए मैनेजमेंट को हम हर जगह यूज कर सकते हैं। आप देखो स्कूल है, स्कूल में क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। विदाउट मैनेजमेंट आप कौन से टीचर्स को कहाँ भेजना है, ठीक है, मतलब आप प्राइमरी टीचर को मतलब जो जूनियर टीचर है उनको सीनियर क्लास को पढ़ाने भेज रहे हो, या सीनियर को जूनियर में, तो ये तो फिर गड़बड़ है ना। ये सब चीज को क्या करना पड़ता है, एक इसको मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करने के लिए क्या लगेगा, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट लगेगा जो ये सब चीज को क्या करे, देखे। ठीक है भैया समझ गए, मैनेजमेंट क्या है भैया, इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल बोले मतलब इनटेंजिबल, जिसको हम टच और फील नहीं कर टच नहीं कर सकते। हाँ मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं ना कि मैनेजमेंट हो रहा है, मतलब टच और देख नहीं सकते, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं इनटेंजिबल। भैया मैनेजमेंट दिखता नहीं है, हाँ लेकिन मैनेजमेंट फील होती है, ठीक है, इनटेंजिबल है, हाँ है। भैया डायनेमिक फंक्शन क्यों बोल रहे हैं मैनेजमेंट को, डायनेमिक फंक्शन इसलिए बोल रहे हैं मैनेजमेंट चेंज रहता है हर जगह में, ठीक है। मैनेजमेंट स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, चेंज होता है। मतलब जो मैं तुम लोगों को पहले एग्जांपल दिया ना कि इंडिया में और अमेरिका में मैनेजमेंट तो एग्जिस्ट करेगा, पर वहां के इन्वायरमेंट, वहां का वर्क, वो बंदा वर्क किसकी कर रहा है, वो ओनर किस फील्ड में वर्क कर रहा है, या वो स्टील प्रोडक्शन कर रहा है, या फिर वो मार्केटिंग उसमें जा रहा है, तो ये सब डिपेंड करेगा क्या, एज पर ओनर करेगा डिपेंड। और क्या उस सिचुएशन में, उस इन्वायरमेंट में क्या होगा, मैनेजमेंट चेंज होगा। डायनामिक मतलब होता है कि चेंज करना, मतलब चेंज होना। चेंज होना किसके, एस रिस्पेक्ट टू और इन्वायरमेंट, ठीक है। अब देखो मैनेजमेंट कंसिस्ट करता है डिसीजन मेकिंग। हाँ भैया मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग ही, मैनेजमेंट के पास पावर है क्या करे, डिसीजन लेने का, ठीक है। वो डिसाइड करता है कि ये टीचर्स को वहां भेजना है जूनियर क्लास में, या ये टीचर को सीनियर क्लास में, ऐसा चीज है, ठीक है। तो भैया मैनेजमेंट के पास क्या होता है, डिसीजन पावर होता है। हाँ डिसीजन पावर होता है क्या, मैनेज करने का, ठीक है। हाँ और क्या डिसीजन होता है, उन लोग मैनेजमेंट के थ्रू ही डिसाइड होता है कि इस, मतलब सपोज करना बिजनेस है, पहले आएगा रॉ मटेरियल, उसके बाद आएगा क्या, मतलब रॉ मटेरियल में पहले आएगा, सबसे पहले हमारे पास वुड्स आएगा। चलो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं किसका, सनमाइका, या फिर उसमें चेयर्स वगैरह में, वुडन चेयर्स में डील कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि सबसे पहले वुड आएगा, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पेंट का ऑर्डर करेंगे। पहले पेंट का ऑर्डर नहीं करना है, ठीक है, पहले वुड का ऑर्डर करना है, देन हम उसमें पेंट का ऑर्डर करेंगे उसके बाद। क्यों, अगर पेंट का ऑर्डर पहले कर देंगे और पता चल रहा है हमारे पास उतना वुड ही कलेक्ट नहीं हो रहा, तो क्या पेंट वेस्ट हो जाएगा? हाँ वेस्ट हो सकता है भाई, अगर हम ज्यादा स्टॉक में मंगा लिए तो, ठीक है, हमारे पास उतना वो ही नहीं आ रहा, तो भाई स्टोरेज भी तो होना चाहिए ना उतने का। हाँ तो ऐसे करके ये कौन डिसाइड कर रहा है, मैनेजमेंट। इसलिए बोले क्या, मैनेजमेंट पर डिसीजन पावर है ना। हाँ डिसीजन पावर है और वो डिसीजन लेते हैं, इसलिए क्या बोल दिया, डिसीजन मेकिंग बोल दिया मैनेजमेंट को। गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट ही बनाया इसीलिए जाता है, क्योंकि वो क्या कर सके, गोल को डिसाइड कर सके, ठीक है। हाँ भैया ये भी हो गया हमारे पास। मैनेजमेंट इज ए सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। हाँ मैनेजमेंट पे भी लेवल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, सिस्टम ऑफ अथॉरिटी होता है। मतलब मैनेजमेंट बताएगा इस बंदे के पास इतना पावर रहेगा, मतलब आप एम्प्लॉय डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। हाँ राम को हम बनाए इस कंपनी का एम्प्लॉय, ठीक है। मतलब देखो बिजनेस हम ले लेते हैं, नॉर्मल बिजनेस, एक
एग्जांपल के लिए लेते हैं, चलो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ना वही वुडन चेयर्स में डील कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बोले राम के पास अथॉरिटी है क्या कि वो ही बताएगा आपको कि जो अपना वुड प्रोडक्शन होगा कब कब क्या बोलते हैं सप्लाई आएगा, ठीक है, कब वुड का सप्लाई आएगा, कब पेंट का सप्लाई आएगा, मैनेजमेंट आपको बता दिया है, ठीक है। देन मैनेजमेंट ने डिसाइड किया क्या है, वो राम को डिसाइड कर रहा है कि वो क्या करेगा, वो आपको गाइड करेगा इस बारे में। मतलब मैनेजमेंट क्या है, एक सिस्टम है किसका, अथॉरिटी का। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, पावर का, वो बताएगा सब, ठीक है, सिस्टम ऑफ अथॉरिटी समझे ना तुम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। अब देखो मल्टी डायमेंशनल क्यों है भैया, मल्टी डायमेंशनल इसलिए है, सबसे पहले देखो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में थे, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सपोज ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और परचेज डिपार्टमेंट है, हर जगह के लिए अलग अलग मैनेजमेंट वर्क करेगा ना, हर डायमेंशनल में अलग अलग वर्क कर रहे हैं। हाँ ये क्या बोल रहा है, मल्टी डायमेंशनल है भैया। डायनेमिक में भी कुछ ऐसे ही बात कर रहे थे आप, बोल रहे थे मैनेजमेंट अलग है ऐसा कुछ, भैया ये बोल रहे थे अपन कि डायनेमिक फंक्शन क्या है, मैनेजमेंट क्या है। सपोज कोई क्राइटेरिया चेंज होता है तो भाई उस हिरार्की का, हिरार्की बोलता हूँ आई एम सॉरी, कि जैसे सपोज सबसे पहले हमने बात किया, सबसे पहले हम ऑर्डर करेंगे किसका, वुड का, ठीक है, हम वुड्स को ऑर्डर देंगे सबसे पहले। देन हम किसका ऑर्डर करेंगे, पेंट्स का, ठीक है, सनमाइका में डील कर रहे हैं हम, ठीक है, या फिर हम चेयर्स में डील कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बोले सबसे पहले आप पेंट मंगा लो, देन आप क्या करा लो, वुड्स मंगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, एक मैंने मतलब अरेंजमेंट चेंज हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज भी क्या हो रहा है, एक मतलब ये बताना चाह रहा हूँ डायनेमिक फंक्शन में कि ये जो क्राइटेरिया है ये सिचुएशन बेस्ड है। मैनेजमेंट क्या है, सिचुएशन के हिसाब हम सबको क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ता है, ये अब इस तरीके से मैनेज होगा, ये इस तरीके से मैनेज होगा, ये बात कर रहे थे, ठीक है। देन क्या है भैया, हमारे पास मैनेजमेंट इज ए सिस्टम ऑफ अथॉरिटी देख लिए, ठीक है, मैनेजमेंट इज ए प्राइमरी पार्ट ऑफ मैनेजरियल प्रोसेस, ठीक है भैया। हाँ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में भैया मैनेजर होगा, भाई मैनेज कौन करेगा, ये सब बताएगा कौन, कुछ तो भी मैनेजर्स होंगे, हाँ भैया। तो क्या है? ये क्या बोल रहा है, ये पॉइंट्स तो हम शुरू में ही देख लिए भैया, क्या है मैनेजमेंट क्या है, प्राइमरी पार्ट है किसका, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी क्या है बिजनेस का या फिर कोई भी फॉर्म का, ठीक है। और क्या है, मैनेजर प्रोसेस है भैया, एक बंदे के थ्रू क्या होगा, मैनेजमेंट होगा और इसको हम क्या बोलेंगे, मैनेजर। बच्चा पार्टी हमने अभी तक क्या कंप्लीट कर लिया है, मैनेजमेंट कवर कर लिया है, मैनेजमेंट के कैरेक्टर स्टिक्स कवर कर लिए हैं, और हम अब बढ़ेंगे किसमें, नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट। भैया कई तो मैं भी दिया है कि इसको आप बोल दो क्या, इसको भी तो कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं हम, मैं बोला बोल सकते हैं, लेकिन रीजन नेचर्स बोलने का इसलिए है क्योंकि ये मैनेजमेंट्स के क्या है, मतलब बोला जाए कि जैसे अपन कुछ एक पर्सन है उसको जज किस कैसे करते हैं, उसका नेचर्स देखे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन बात नहीं करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक उसकी क्या बताता है, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक बताता है कि जैसे कि सपोज ये राम है, ठीक है, राम क्या करता है, राम पूजा करता है, राम पढ़ाई करता है, राम खेलता है, ठीक है, ये सब चीज उसके हम क्या बता रहे, राम कर क्या रहा है, ठीक है। लेकिन नेचर्स में बात करें तो फिर राम के मतलब उसमें पर्सनल्स इमोशंस ये सब चीज, मतलब राम कैसा है ये सब चीज के ऊपर बात होती है, ठीक है। तो यही कुछ मैनेजमेंट में भी रन करता है, क्या, नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, सीधा बात बोलू तो ये, इन शॉर्ट भैया एक लाइन में बोले बिहेवियर, ठीक है। अब देखो मैनेजमेंट इज, देखो मैनेजमेंट साइंस एज वेल एज आर्ट्स क्यों है और प्रोफेशन है कि नहीं, सब समझते हैं। देखो अब मैनेजमेंट क्या भैया पूरा साइंस है, क्या मैनेजमेंट पूरा आर्ट्स है या प्रोफेशनल है, प्रोफेशन है कि नहीं है। देखो मैनेजमेंट को हम पूरा साइंस नहीं बोलते, मैनेजमेंट जो है वो ना सोशियो साइंस उसको बोल सकते हैं, सोशल साइंस, कैसे समझना। देखो साइंस क्या बताता है, साइंस हमको बताता है भैया हर चीज जो है कॉज एंड रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है, मतलब ये चीज अगर है तो उसके ऊपर कुछ तो भी प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ लॉजिक्स होंगे जो लगेंगे, देन वो वर्क होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट बेस्ड बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज एन साइंस को, हाँ भैया। तो क्या ये, अब आप मेरे को ये बताओ कि मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट है, क्या इसमें हम
हर डिसीजन को पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी लेंगे, क्या ऐसा कोई कंपलसरी रूल है क्या कि भाई हम पहले इसको देखेंगे देन एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके बाद हम इसके ऊपर डिसीजन लेंगे? नहीं, या तो हम इसको हम जैसे कोई भी सपोज हमको क्या करना, रॉ मटेरियल खरीदना, भैया सबसे पहले हम इस रॉ मटेरियल को खरीदेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, फिर देखेंगे वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, मतलब हम कैलकुलेशन करेंगे, उसके बेसिस में हम आगे अपना बिजनेस करेंगे। क्या पूरा ऐसा बहस होता है क्या ये चीज कि साइंस मतलब मैनेजमेंट, क्या पूरा साइंस हम इसको बोल सकते हैं क्या? आपको लग रहा है क्या? नहीं लग रहा भैया, क्यों? रीजन सिंपल है बच्चा पार्टी, हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ तो भी एजम्पशंस ले लेते हैं, ठीक है, या फिर कुछ तो भी पास्ट रिकॉर्ड ले लेते हैं, या कुछ एक्यूरेट कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज बात कर रहा, मतलब हम इसको पूरे ये प्रिंसिपल हम कुछ भी मैनेज कर रहे हैं, सबसे पहले हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे देन हम तभी मैनेजमेंट करेंगे, ऐसा कोई कंपलसरी रूल है क्या? नहीं है ना। तो यही बात कर रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट साइंस तो है बट इसको हम पूरा साइंस नहीं बोल सकते, प्योर साइंस नहीं है ये, ठीक है, एज वेल एज आर्ट्स की बात कर रहे हैं। देखो आर्ट्स सिंपल क्या बोलता है, आर्ट्स बोलता है कि एक्शन, प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस बोलता है, प्रैक्टिस बोल दिया, प्रैक्टिकल करो, मतलब आर्ट्स क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करते हैं, उसको प्रैक्टिस एक्शन में लाना पड़ता है हर चीज को, ठीक है, तो इसलिए यही बोल रहा है मैनेजमेंट क्या है, साइंस एज वेल एज आर्ट्स बोल रहा है। आर्ट्स किस में, आर्ट्स मतलब प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल ये चीज है। तो आई होप बच्चा पार्टी आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है, मैनेजमेंट इज इन साइंस एज वेल एज आर्ट्स, ठीक है। अब देखो मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन है क्या, देखो प्रोफेशन ये बता रहा है, देखो अब समझना, ठीक है, मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन भी नहीं बोल सकते, प्योर प्रोफेशन, क्यों, समझना, देखो हाँ आज के डेट में करंट कंडीशन में ये हो रहे हैं कि आप मैनेजमेंट, जैसे हमको क्या करना पड़ता है, MBA, क्या MBA की डिग्री कंपलसरी है क्या हर मैनेजर को, तभी हम कंपनी में वो बंदे को हायर करेंगे? नहीं, ये तो कोई भी कर सकता है ना, मतलब कंपनी के डिमांडिंग और कंपनी के क्राइटेरिया के हिसाब से अगर वो बंदा क्वालिफाइड है तो उस कंपनी में वो क्या होगा, एज अ मैनेजर हायर कर लेगा। कंपलसरी कोई वो है क्या कि नहीं आपको मैनेजमेंट आता है और आप इस कोर्स को पास आउट करे हो तभी क्या बोलते हैं आपको हम कंपनी में लेंगे? नहीं। हाँ लेकिन भैया प्रोफेशन दिया क्यों है ये तो बताओ, कई कई जगह ये कंपलसरी है, MBA कर रहे हो तभी आपको डिग्री, आपको हम अपनी कंपनी में क्या करेंगे, जॉब ऑफर करेंगे, क्यों, MBA कर रहे हो तभी। MBA क्या बताता है, मैनेजमेंट बताता है, मैनेजमेंट सिखाता है। तो ये है बच्चा पार्टी, ठीक है। अब देखो हमने क्या देखा, मैनेजमेंट साइंस है एज वेल एज आर्ट्स है, साइंस इसलिए प्योर साइंस नहीं है क्योंकि क्या बोलते हैं इसमें हम एक्यूरेशन निकालते हैं, हर चीज की एक्यूरेसी निकालते हैं, ठीक है, लॉजिक्स में बेस्ड है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, ये इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, साइंस बोल रहे हैं। और आर्ट्स क्यों बोल रहे हैं, आर्ट्स इसलिए बोल रहे हैं भैया हर चीज का क्या होता है, प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, हर चीज आर्ट्स क्या है, प्रैक्टिस बता रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रैक्टिस है, वो क्या करते हैं, कोई भी प्लान है उसको क्या करना है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्शन में ला रहे हैं, इसलिए आर्ट्स भी बोल रहे हैं उसको, ठीक है, ये चीज हो गया, ठीक है, समझे ना तुम लोग। अब देखो मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है। हमने क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक देख लिए, फंक्शंस नहीं, अभी कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो गया, नेचर समझ लिए, भैया साइंस बोल दिए एज वेल एज आर्ट्स बोल दिए, प्रोफेशन बोल दिए। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के प्रोसेस के ऊपर, ठीक है, मैनेजमेंट का प्रोसेस है क्या। देखो मैनेजमेंट का प्रोसेस कुछ ऐसे है कि पहले होगा प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग देन एक्चुएटिंग, उसके बाद आता है क्या, कंट्रोलिंग। प्रोसेस और फंक्शन में तुम लोग कंफ्यूज मत होना, मैं तुमको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, ये प्रोसेस है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एक्चुएटिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है। प्लानिंग में क्या करते हैं, प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, हर चीज को ऑर्गेनाइज करना, मतलब सीधा सीधा ये बोलूं जॉब को, कौन से जॉब को कौन परफॉर्म करेगा, ये चीज बता रहे। एक्चुएटिंग मतलब एक्शन में लाना उस चीज को, कंट्रोलिंग मतलब सबको क्या करना, लीड एंड गाइड करके क्या करना, कंट्रोल करना, कॉज एंड उसके मतलब कॉज और मतलब प्लस एंड माइनस पॉइंट को क्या करना बताना, ठीक है, ये चीज बात हो गया। अब देखो उसी के बारे में, मैनेजमेंट के पहले प्रोसेस में क्या था, प्लानिंग में क्या कर रहे हैं हम भैया, प्लानिंग में हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टारगेट्स,
मतलब कि भाई सीधा बोलूं, गोल सेट करना बोल सकते हैं इसको, हाँ गोल सेट करना बोल सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिसीज बोल सकते हैं, एस्टेब्लिश पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिसीज बोल सकते हैं। हाँ भैया इसमें क्या करते हैं हम, प्लानिंग में मैनेजमेंट का पहला प्रोसेस क्या है, प्लानिंग, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, पॉलिसीज पॉलिसीज बनाते हैं, हाँ भैया बनाते हैं, गोल सेट करते हैं, सेट करते हैं, एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर है बिल्कुल, और कौन से मेथड से प्रोडक्शन होगा, बाय लेबर होगा, बाय मशीनरी होगा, सब डिसाइड करेंगे किसमें, प्लानिंग में, हाँ भैया प्लानिंग में करेंगे। मेंटल एक्सरसाइज है बोल दिए, पूरा मेंटल एक्सरसाइज है भैया, एकदम सोचना पड़ेगा तब तो हमारे क्या है बिजनेस को ग्रो करेंगे भैया, अभी सीखेंगे तभी तो ग्रो करेंगे, हाँ पहले प्लान करेंगे तब तो ग्रो करेंगे, तभी ग्रो करेंगे एकदम, मतलब मक्खन है भैया, समझ आ गया एकदम। अब आते हैं ऑर्गेनाइजिंग में, देखो ऑर्गेनाइजिंग क्यों है, ऑर्गेनाइजिंग इसलिए बोलते हैं, ये क्या करता है, डिवाइड्स द वर्क इनटू डिपार्टमेंट्स, ये चीज मैं तुमको पहले ही बता दिया हूं, क्या होता है हर कोई भी वर्क है परफॉर्म कौन से डिपार्टमेंट करेगा, हाँ ये ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप होगा वो परफॉर्म करेगा क्या, ये वर्क को वो परफॉर्म करेगा, सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, हाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास जाके हम ये तो नहीं बोल सकते कि भैया आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वर्क को करो, नहीं बोल सकते, प्रोडक्शन को मार्केटिंग का नहीं बोल सकते, हाँ भैया क्या करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में, ग्रुप्स वर्क्स को डिवाइड करते हैं किसमें, डिपार्टमेंट्स में, बिल्कुल सही बात है भैया, असाइनिंग करते हैं पीपल टू टास्क, क्या बोल रहे हैं भैया, ग्रुप्स है भाई, ग्रुप्स है उसमें तो कोई प्लेयर होगा, कोई बंदा होगा, कोई पीपल होगा, पर्सन होगा जो क्या करेगा, वो ग्रुप को परफॉर्म करेगा, लेकिन वो कौन परफॉर्म करेगा वो बताएगा कौन, ऑर्गेनाइजिंग भैया झक्कास एकदम, मतलब ऑर्गेनाइजिंग अब ब्लड में, अब तो सीधा, हाँ वही बात बोल दे, डिफाइंस करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, मतलब बात वही कर रहा है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो किसको, इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिलनी चाहिए, ये चीज डिफाइन करता है किसमें, ऑर्गेनाइजिंग में, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रक्चर रिलेशनशिप एंड सिक्योर कोऑर्डिनेशन, भैया हाँ पर्सन है ठीक है, दो पर्सन है हमारे पास ठीक है, अब इनके बीच क्या होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए और रिलेशनशिप होनी चाहिए, ये चीज हम पढ़ चुके हैं भैया, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में क्या बात कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रक्चर रिलेशनशिप टू सिक्योर कोऑर्डिनेशन, ये बात कर रहा है, सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सपोज परचेज डिपार्टमेंट है, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यहाँ एक बंदा है, ठीक है, यहाँ एक बंदा है, ठीक है, अब देखो मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट के पास एक तो क्या करना है, प्रोडक्शन का वर्क है, और एक क्या करना है, परचेस करना रॉ मटेरियल उसका वर्क है, ठीक है, ये प्रोडक्शन का वर्क हो गया और ये परचेस करना है उसका वर्क हो गया, ठीक है, अब परचेस वाले को हम प्रोडक्शन का वर्क दे सकते हैं क्या, या फिर प्रोडक्शन वाले को हम परचेस का वर्क दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते भैया, अगर हम ऐसा कर दिए तो भाई यहाँ तो ये जो दो बंदे हैं, सपोज यहाँ एक पर्सन है जो राम है, यहाँ एक पर्सन है जो साहिल है, ठीक है, अब साहिल राम को जाके बोलेगा भाई तू क्या बोलते हैं, मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हूँ, तू परचेज डिपार्टमेंट से है, ठीक है, मेरे को क्या प्रोडक्शन करना है ये आप थोड़ी ना बताओगे, आप रॉ मटेरियल जो मैं बोलूंगा आप वही ना करोगे, ऐसे करके, मतलब आप समझ रहे हो कितना ये कंफ्यूजिंग हो रहा है, कि भाई कितनी, मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है बार बार कि भाई ये चीज होनी चाहिए ये नहीं होनी चाहिए, तो समझ रहे हो, देखो हमने भी बात करा तो एकदम कंफ्यूज हो गया ना इस चीज में, तो यही चीज क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर रिलेशनशिप होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बैठा रहे, स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है, देखो ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है ना, यही स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए इन दोनों के बीच, भाई साहब एकदम, मतलब कुछ भी हो रहा था यहाँ पर, ठीक है, तो भैया एग्जाम्पल तो एकदम सटीक दे दिया और ये पॉइंट भी एकदम सटीक बैठ गया हमारे पास, मतलब कि एक नंबर मक्खन है मक्खन, अब चलो आगे बढ़ो, चलो एक्चुएटिंग, सीधा सीधा बोलू कोई भी काम को करने को क्या करना है, मतलब सबसे पहले हमने क्या देखा, प्लानिंग हो गया, भैया देखो बात क्या क्या कर ली है हम, प्लानिंग बात कर ली है, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग में बात कर ली है, ऑर्गेनाइजिंग में बात कर ली है, और किस में बात करें, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, और अब आया है हमारे पास एक्चुएटिंग, देखो इसमें क्या बात हो रहा है, देखो प्लानिंग में हमने क्या किया, प्लान सेट करा, पॉलिसीज बनाए, ठीक है,
ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया, डिपार्ट करा उसको, डिपार्ट करा हर प्लान को, कौन कौन सा ग्रुप करेगा। एक्चुएटिंग में अब इसको क्या करना है, ये सब चीज को प्रोसेस में लाना है, प्रोसेस में लाना है, मतलब इसको क्या करना है, एक्शंस में लाना है। भैया वो काम किसका है, वो जो हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, उसी को तो बोल रहे हैं क्या एक्चुएटिंग। भैया मेक श्योर करता है इनटू गेट प्रोसेस और स्टार्ट होना चाहिए, प्रोसेस में लाओ उस चीज को। बिल्कुल भैया एक्चुएटिंग तो एक लाइन में ही पूरा बता दिया, अब ये पॉइंट्स क्यों डाल दे, देख लो। मूव टू एक्शन बता दिया हूं तुम लोग को, प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप, ठीक है, गाइड करना है भाई। एक्चुएटिंग में हो क्या रहा है, आ रहे हैं गाइड कर रहे हैं उसको, प्रोसेस में ला रहे हैं, उसके लिए तो क्या चाहिए, एक लीडर चाहिए। लीडरशिप क्या परफॉर्म करेगा, लीडर क्या परफॉर्म करेगा, लीडरशिप टू जो वो परफॉर्म करेगा उसके ऊपर, क्यों इफेक्टिव होनी चाहिए ना भाई। आप एक पर्सन को वर्क बता दिए हो, मतलब बोले हो आपको प्रोडक्शन करना है, ठीक है प्रोडक्शन करना है, लेकिन आप किस मेथड में प्रोडक्शन करोगे, कैसे प्रोडक्शन करोगे, कितने समय में करोगे, भाई कौन बताएगा, लीडर जाएगा अपने वहां लीडरशिप परफॉर्म करेगा, कैसे उसको एक्शन में आएगा भाई। मशीन तो चलाना सबको आता है भाई, देखो अब एक एग्जांपल लेते हैं, लैपटॉप नहीं सबसे बेहतरीन मैं बताता हूँ कंप्यूटर है, ठीक है कंप्यूटर चलाना तो सब कंप्यूटर है, ठीक है कंप्यूटर चलाना तो सबको आता है, कंप्यूटर चलाना तो सबको आता है, लेकिन उसको ऑफ करते समय क्या होता है, कुछ लोग क्या है डायरेक्ट स्विच ऑफ कर देते हैं एकदम, मतलब प्लग में गए प्लग से डायरेक्ट ऑफ करते हैं भाई, वैसे ऑफ करते हैं क्या, सोच लो ऑफ तो हो रहा है लेकिन वो कैसे ऑफ होगा भाई, आप प्रॉपर विंडो में जाओ, वहां शट डाउन का ऑप्शन देता है, वहां से ऑफ होगा ना। तो यही चीज क्या बताता है, लीडर जाके उसको क्या करेगा, बताएगा और किस वे में होगा, और किस मतलब इफेक्टिव वे में होना चाहिए ना भाई, कुछ भी हो जाए, हाँ हो रहा है काम लेकिन कैसे होना चाहिए वो तो बताओ भाई। ये चीज बात कर रहा है क्या, लीडरशिप, ठीक है भैया, मतलब जो एग्जांपल दी एकदम सॉलिड है, जाने दो एकदम करेक्ट बैठा है, पूछ तो बस ले पेपर में छा देंगे भैया बोल रहे हो अब तो, ठीक है आगे देखते हो। इंटीग्रेट पीपल एंड टास्क एंड कन्विंसिंग देम टू असेस इन परफॉर्मेंस, बात वही कर रहा है, ठीक है टास्क अलॉट कर दिए हैं, उसको कन्वेंस कर रहे हैं कैसे करना है, कन्वेंसिंग नहीं बोल सकते इसको, ऐसा कुछ बोलना चाहिए कि वो वर्क को एक्शन में लाने के लिए हम पीपल को टास्क अलॉट कर रहे हैं कैसे करना है, वही सब चीज बात कर रहा है नॉर्मल परफॉर्मेंस बेस्ड के ऊपर कि कौन परफॉर्म करेगा कैसे, ठीक है मतलब इन शॉर्ट बोले तो हमको एक लाइन पता है ना क्या, प्रोसेस, ठीक है प्रोसेस मेक श्योर कर रहे हैं क्या, हर चीज को प्रोसेस में होना चाहिए। प्रोवाइड क्लाइमेट फॉर सबऑर्डिनेट्स, भाई इसको तुम लोग ऐसे समझ लो, ये पॉइंट ये बोल रहा था कि वही सेम एग्जांपल ही ले लेते हैं, डिफरेंट लेंगे तुम लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे। डिपार्टमेंट ए है डिपार्टमेंट बी है, ठीक है इनको क्या करना है, इनको हमको बोल दिए हैं भाई ये सपोज डिपार्टमेंट ए परचेज डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सेलिंग डिपार्टमेंट है, इनको टास्क और ये बड़े डिपार्टमेंट्स है, ओनर्स है उसके डिपार्टमेंट्स है, ठीक है ये क्या कर रहे हैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ये बोल रहा है भाई साहब हमको 20% प्रॉफिट चाहिए इस बार के सेलिंग्स में, ठीक है अब देखो 20% सेलिंग्स में मतलब यहाँ से मार्केट क्या होगा, सेल होने जाएगा, ठीक है अब यहाँ सामान कैसे आएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब यहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सामान दे देगा, ठीक है मतलब सेलिंग डिपार्टमेंट बोलना चाहिए, सेलिंग डिपार्टमेंट को दे देगा, ठीक है देन वो सेल करेगा। अब भाई एक बात बताओ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो रेट इसको देगा वहां पर जो सेलिंग डिपार्टमेंट है वहां प्रॉफिट ऐड करेगा, अगर यही ज्यादा रेट दे दिया डिपार्टमेंट ए से ही ज्यादा रेट आ गया तो भाई इनका भी तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा फिर भाई, अब ये तो नहीं कि अब एकदम प्रॉफिट को प्लस ही करके उस प्रोडक्ट में बेच दे, ठीक है तो क्या होना चाहिए, एक्शन में तो वर्क आ रहा है, देखो वर्क एक्शन में आ रहा है लेकिन क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जरूरी है सबके बीच में, ठीक है ये दोनों भी प्रोडक्शन ए प्रोडक्शन बी में भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए, किससे रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड कि आप कितने में प्रोडक्ट ले रहे हो नहीं ले रहे हो क्या है, मतलब ये सब चीज क्या है, ये सब चीज अभी क्या है, पहले हम ये सब चीज डिसाइड कर रहे थे और अभी क्या हो रहा था प्रोडक्शन ए और प्रोडक्शन बी के डिपार्टमेंट के बीच, अब ये सब चीज जो एक्शंस में आ रही है ये सब चीज में क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन बैठनी चाहिए। भैया झक्कास एग्जांपल एकदम, एक्चुएटिंग भी ब्लड में, अब
कंट्रोलिंग बता दो। कंट्रोल मतलब इन शॉर्ट बोल रहे हैं क्या, कंट्रोल करना, ऐसा साउंड्स कर रहे हैं ना ये कि भाई किसी भी चीज को कंट्रोल करना। तो इस चीज को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आपकी गलत फहमी को दूर करते हैं कि कंट्रोलिंग का मतलब बस ये नहीं होता कि कंट्रोल करना है, नाम में ही आंसर है, ऐसा नहीं होता हर बार, ठीक है। तो देखो कंट्रोलिंग बात कर रहा, सेलेक्ट द बेस्ट मोड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल करना है लेकिन कौन सा मोड होना चाहिए, बेस्ट मोड होना चाहिए। आइडेंटिफाई करेगा पोटेंशियल प्रॉब्लम को, मतलब कि ये बात कर रहा है भाई इसमें कंट्रोलिंग में बात करता है। देखो ये पॉइंट सबको मैं एक साथ तुम लोगों को समझाता हूं। ऑडिट अशर्टेन देयर एग्जैक्ट कॉज रेमेडीज एंड एक्शन। देखो सबका एक समरी में लाइन बोलूं तो ये चीज है कि कंट्रोलिंग बता रहा है क्या बेस्ट मोड ऑफ क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, बट वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, प्लस एफिशिएंसी उसमें होनी चाहिए, ठीक है। उसमें ही कंट्रोलिंग में ही क्या बताएगा हमको भाई, प्रॉब्लम भी बताता है कंट्रोलिंग में। ऑडिट क्या बताता है, ऑडिट मतलब होता है चेक करना, कंट्रोलिंग में हम चेक भी करते हैं प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, देन उसको क्या करते हैं सॉल्व भी करते हैं रेमेडीज, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, एक्शंस लेंगे कुछ उसके ऊपर, कॉज क्या है, कारण क्या है वो होने का, ये सब चीज जो आइडेंटिफाई करना है। देखो यही चीज को तो बात कर रहा है क्या, कंट्रोलिंग बात कर रहा है भैया। इन शॉर्ट पूरा समरी एक बार में बताओ, कंट्रोलिंग बात कर रहा है क्या, बेस्ट मोड ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम प्रॉब्लम को पता लगाते हैं, देन उसके ऊपर क्या वो प्रॉब्लम क्यों हुआ कॉज ढूंढेंगे, हाँ इस कारण से हुआ, देन उसके ऊपर क्या करेंगे रेमेडीज लगाएंगे और उस रेमेडीज को एक्शन करेंगे, एक्शन में लाएंगे उसको, वो होता है कंट्रोलिंग। हाँ चलो भैया झक्कास झक्कास एकदम, मतलब क्रिस्टल क्लियर भैया। आप मैनेजमेंट देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक देख लिए, नेचर देख लिए, नेचर के बाद प्रोसेस भी देख लिए, अब देखते हैं सिग्निफिकेंस मतलब क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो भाई ये तो चीज तुम लोग को बतानी अब नहीं पड़ेगी क्योंकि पढ़ते पढ़ते अभी इतना देर तक अपन बने हुए हैं। तो अब देखो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है भाई, स्टेबिलिटी क्या बोलता है, देखो स्टेबिलिटी मतलब ये चीज है, ये क्या है एक वो है। अब देखो ये ऐसे हो रहा है, क्या स्टेबल है क्या, दोनों नहीं हो रहा, अब क्या स्टेबिलिटी। तो बिजनेस भी क्या होता है, मैनेजमेंट भी क्या होता है, ऊपर नीचे मतलब ये एस पर क्या होगा, इन्वायरमेंट और कंडीशन होगा। तो क्या करता है मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट इसलिए है कोई भी बिजनेस को एक प्रॉपर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, स्टेबलनेस होने चाहिए, वो सब चीज प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है मैनेजमेंट कंपलसरी है, इसलिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बिल्कुल भैया कोई तो, अब ऊपर में आप इतने सारे चीज बता दिए, सब क्या है, सब इंपॉर्टेंट है, ये सब तो डेवलपमेंट में हेल्प करती है भैया, ठीक है। बिजनेस प्रॉब्लम को जानने में हमारी मदद करता है, बिल्कुल। मीट विथ चैलेंजेस, ये तो भाई कंट्रोलिंग में हमको पूरा दिख रहा है भैया कि हाँ हम चैलेंज को डील कर रहे हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और मैं इन शॉर्ट बोलूं तो इफेक्टिव एंड कोई भी रिसोर्स को यूज करने का क्या है, इफेक्टिव होनी चाहिए प्लस उसमें एफिशिएंसी होनी चाहिए भैया। रिसोर्स प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, आप बोले कि इस कॉस्ट के अंदर होना चाहिए, ₹100 रिसोर्स प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन इस टाइम के अंदर होना चाहिए, एफिशिएंट तो है लेकिन इफेक्टिव, मतलब ये बोलो। देखो दो वर्ड होते हैं, क्या पता है, मैं तुमको बताता हूं, आप देखो इफेक्टिव और एफिशिएंसी, ठीक है, ये चीज है, ये बात कर रहा है देखो, और एफिशिएंसी बात कर रहा है, देखो बता रहा हूँ, ये बोल रहे अपन, मैं एग्जांपल बोल रहा, प्रोडक्शन क्या है ₹100 के अंदर होनी चाहिए, ₹100 के अंदर प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन भैया ये ड्यूरेशन है, ठीक है, इस ड्यूरेशन में आपको क्या करना है, रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करके फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, ये 1 मंथ का टाइम है, ठीक है, 1 मंथ का टाइम है। हाँ अब देखो हमने क्या किया, हम बोले कि भाई हम तो ₹100 के अंदर ही प्रोडक्शन करेंगे और हम अगले महीने जाके प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब अगले महीने हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, मतलब कि इफेक्टिव तो है बट एफिशिएंट नहीं है, एफिशिएंसी जरूरी है, मतलब भाई इस ड्यूरेशन के अंदर होनी चाहिए ना, तो बात यही कर रहा है, इफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है, तो एफिशिएंट बनाओ उसको, ये क्या बोल रहा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स की बात करता है भैया, झकास एकदम, मतलब बोले ना बने रहो बच्चा पार्टी। देखो इतना तक तुम लोग बन गए, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हम लोग देखो इंपॉर्टेंस भी खत्म कर लिए, इंपॉर्टेंस आप और ऐड कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एक प्रॉपर जो देखो कोई भी आंसर लिखने का एक सिंपल फॉर्मेट होता है भाई, कोई भी चेकर है क्या बोलता है भाई, आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर वर्ड होनी चाहिए, ठीक है, आप प्रॉपर वर्ड से लिखो ना, इस वर्ड्स को लेके आप क्या करो, कोई भी आंसर को एक्सप्लेन करो भाई, नंबर कैसे नहीं मिलेगा, बिल्कुल नंबर मिलेगा। हाँ भैया
मतलब अब बोल दिया तो क्लियर है। और बच्चा पार्टी, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि तो भाई इतनी मेहनत हो रही है, वन मैराथन में आपको पूरा कंप्लीट करके दे रहा हूँ यूनिट वन, तो भाई इतना तो बनता है यार। हाँ भैया बिल्कुल, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर देंगे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, पहले हमको लगा था कि नहीं करेंगे लेकिन कर देंगे, हाँ कर देना। अब देखो बात करते हैं स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, स्कोप कहाँ तक है भैया, कैसे आया मैनेजमेंट क्या है। देखो स्कोप तो भाई साहब पहले क्या होता था, ये देखो ट्रेडिशनल और ये मॉडर्न, ठीक है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न क्या बोल रहे हैं। मैनेजमेंट जो है अपन आगे में डील करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट आया कैसे है, ठीक है, और उसके पहले हम देखते हैं क्या मैनेजमेंट पहले कैसे था, वो अपन बाद में करेंगे, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे था पहले और अभी कैसे। ट्रेडिशनल में, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मतलब पहले जो चलता था, ठीक है, हिस्ट्री टाइम में। तो भैया पहले अपन मैनेजमेंट को ना कहाँ देखने मिलता था स्कोप में, मैनेजमेंट क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दिखता था या मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स में, मतलब ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन बीइंग के बीच जो अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब जो है कन्वर्जेशन, कम्युनिकेशन, ये सब जो चीज जो हो रहा है, और क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब चीज को क्या करना, ये सब चीज को क्या करना, अरेंज करना, इसी को हम क्या बोल रहे थे, मैनेजमेंट बोल रहे थे पहले। पहले हम इसको ऐसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, बट अभी अभी भैया कैसे है, अभी देखो, अभी मॉडर्न, भाई मॉडर्न बनो, परचेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट ऑफिस और सप्लाई चेन, सप्लाई चेन तुम लोगों को पता होगा ना, सबसे पहले क्या होता है, परचेज होता है, परचेज के बाद प्रोडक्शन होता है, देन फिनिश गुड में कन्वर्जन होता है गुड्स का, ठीक है भैया। अब देखो अभी किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं मैनेजमेंट को, इस सब लेवल में देखते हैं, सब लेवल में, तो यही चीज बता रहे हैं कि पहले जो था और अभी क्या, मतलब स्कोप ऑफ मैनेजमेंट कहाँ कहाँ स्कोप है मैनेजमेंट का, इस यहाँ पर भी नीड है, यहाँ पर भी नीड है, यहाँ पर भी जरूरत है, सब मतलब पॉइंट ऑफ व्यू इसमें सिंपल सिंपल बता रहा था, तो ज्यादा कुछ इस पॉइंट में है नहीं डिस्कस करने का। नॉर्मल अगर पूछ दिया तो ट्रेडिशनल में आप ये डाल सकते हो और मॉडर्न में आप ये सब, मतलब सब लिख देना मॉडर्न में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी तो मैनेजमेंट हर लेवल में, ठीक है। अथॉरिटी, भैया अथॉरिटी मतलब क्या बोलते हैं इन शॉर्ट आपकी लैंग्वेज में, मेरी लैंग्वेज में तो पावर बोलते हैं, अथॉरिटी मतलब पावर, भैया पावर होनी चाहिए सब में, ऐसा क्या। चलो देखो, चलो हंसी मजाक बहुत हो गया, पढ़ाई करते देखो। अथॉरिटी, अथॉरिटी टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इस लेवल में क्या होता है, अथॉरिटीज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, तो सिंपल यही बात कर रहे हैं। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, पावर, पावर का एक लेवल होता है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, देन थर्ड, टॉप, मिडिल, लोअर, तो ये चीज बात कर रहे हैं, ठीक है, अथॉरिटी होगी। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन वही मतलब जो जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्या सेट करा, ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में क्या होगा, गोल सेटिंग होगा, ये सब चीज होगा, प्लान मेकिंग होगा, मतलब यही सब एडमिनिस्ट्रेशन जो चीज है ना, क्या कर रहा है, गोल सेटिंग कर रहा है, हाई लेवल है, कनेक्ट करता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है, सिंपल सिंपल देख लो, मैनेजमेंट के अंडर आता है एडमिनिस्ट्रेशन, ये बोल सकते हैं हम, ठीक है, वो क्या करता है, गोल सेट कर रहा है, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन होता कहाँ पर है, हाई लेवल में दिखने को मिलता है, प्लस वो क्या करता है, कनेक्टिविटी जनरेट करता है सबके बीच। भाई देखो अपन यहाँ पर स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आएगा कैसे। देखो टीचर्स होती है, ठीक है, टीचर्स है और क्या बोलते हैं, टीचर्स है और पेरेंट्स है, ठीक है। अब कोई टीचर को कंप्लेन आया बच्चे का, मतलब टीचर्स क्लास ले रही, कंप्लेन आया बच्चे का कि ये बच्चा होमवर्क करके नहीं आ रहा है, ठीक है, वो बच्चे को मैम ने बोला आप अपने पेरेंट्स को लेके आना। अब टीचर क्लास ले रही है अगले दिन, ठीक है, नेक्स्ट डे पेरेंट्स आ रहे हैं ऑफिस रूम में बैठे, तो वो सबसे पहले क्या टीचर से जाके मिलेंगे कि पहले मैनेजमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उनसे जाके मिलेंगे। हाँ, उनसे जाके मिले, बताए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, टीचर्स को प्लीज बुलाए, टीचर आई फिर तो क्या कर रहे, कनेक्शन बैठा रहे, कनेक्शन बैठा रहे, हाई लेवल है कि नहीं आप बताओ भाई, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में भाई क्वालिफाइड, क्वालिफाइड नहीं कहना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर एजुकेटेड पर्सन ही बैठता है वहां पर, ठीक है, जो नॉलेजेबल होना चाहिए, बस ऐसा बोल सकते हैं उसको। तो एडमिनिस्ट्रेशन सिंपल सिंपल यही बात कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या करता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज और प्लानिंग, ये तो हम समझ लिए, ठीक है, क्या लोअर लेवल टू हायर लेवल कनेक्शन बैठाता है, लोअर लेवल टू हायर लेवल क्या करता है, कनेक्शन बैठाता है, तो ये चीज है।
इसमें तो कोई न्यू नहीं था, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में ही। तो चलो आगे देखते हैं, ये हो गया बच्चा पार्टी आप लोग का, इतना तक समझ आया ना। बच्चा पार्टी प्लीज लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ओके। एंड देन हम देखते हैं मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैं तुम लोग को इस क्लास स्टार्ट करने से, मतलब बीच में बोला था क्या बात, शायद तुम लोग को याद ना हो, मैनेजमेंट के प्रोसेस अलग है, मैनेजमेंट का फंक्शन अलग है। अब देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, ये चीज कहीं पढ़ा हुआ है क्या भैया? 12th में पढ़े थे, भूल गए हैं क्या था? ये तो बिजनेस का मैनेजमेंट का, बिजनेस बिजनेस का प्रोसेस लग रहा है कुछ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। मैं बोला हाँ, बिजनेस जो है ब्रॉड टर्म है, मैनेजमेंट क्या है उसका एक स्मॉलर टर्म है, ठीक है। तो ये चीज क्या बात कर रहा है, अब समझना। देखो, मैनेजमेंट का फंक्शन बता रहा है, फंक्शन क्या क्या होता है मैनेजमेंट में, क्या होता है प्लानिंग, इसको पढ़ लिया है, फ्यूचर ओरिएंटेड रहता है कि प्लान क्या करना है, वो तो फ्यूचर ओरिएंटेड ही है, क्योंकि वो चीज़ हमको फ्यूचर में क्या करनी है, जनरेट करके, प्रोड्यूस करके क्या करना है, प्रॉफिट मार्जिन अर्न करना। मैं नॉर्मल बिजनेस के सेंस में बोल रहा हूँ, ठीक है, मैनेजमेंट को, क्योंकि हम, हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, स्ट्रक्चर, रोल, कन्वर्ट विथ हेल्प विथ ग्रुप, मतलब बात वही कर रहा है जो अपन प्रोसेस में ऑर्गेनाइजिंग पढ़े थे ना, वही चीज है ये भी, ठीक है। तो इसको अलग से तुम लोग को बताने की कोई नीड नहीं है। हाँ, स्टाफिंग बता देता हूँ तुम लोग को, स्टाफिंग मतलब क्या होता है। देखो, हमने ऑर्गेनाइजिंग में क्या सेलेक्ट किया था, हाँ, ये ग्रुप परफॉर्म करेगा, ठीक है, और वो ग्रुप परफॉर्म करेगा। अब वहां पर कौन सा प्लेयर परफॉर्म करेगा, कौन सा बंदा परफॉर्म करेगा, उसके लिए, उस बंदे के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि वो इतना एजुकेटेड होना चाहिए, इतनी उसकी नॉलेज आनी चाहिए, एक्सेल प्लस होना चाहिए वो। तो देखो, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ठीक है। मतलब भैया सिलेक्शन बस होगा क्या? नहीं, सिलेक्शन के साथ वो बंदे का क्या होगा, और ट्रेनिंग भी होगा, प्लस उसको प्रमोशन भी है। कब किसको प्रमोट करना, हायर लेवल में भेजना, तो सब डील करेगा क्या, स्टाफिंग, ठीक है। डायरेक्टिंग बात करता है केवल और केवल, देखो, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, डू थिंग्स डन विथ राइट वे, मतलब यहाँ सब चीज सब डिसाइड हो गया, सब हो गया, अब उसको करना कैसे है वो लीडर बताएगा, अपने लीडरशिप दिखा के। वहां पर कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होंगी, ठीक है। बातचीत कैसे होंगी भैया? बातचीत ऐसे होगा, आपको मैं बोला राम देखो प्रोडक्शन करना है, ठीक है, अब मैं एज अ लीडर वहां लीडरशिप शो करूंगा, देखो प्रोडक्शन करना है, मोटिवेट करूंगा, उससे बात करूंगा, कम्युनिकेशन करूंगा उसके लैंग्वेज में, वो फॉर्मल तो फॉर्मल, इनफॉर्मल तो इनफॉर्मल, कि ये प्रोडक्शन का, ये मशीन को तुम ऐसे ही चलाओगे और यही प्रोडक्शन करना है, इससे अलावा कोई अलग प्रोडक्शन नहीं करना है। हाँ भैया, एकदम, अब जाने दो अब, ठीक है, बहुत बेहतरीन बता दी। कोऑर्डिनेशन और मोटिवेशन तुम लोग को मैं बता चुका हूँ। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है आप लोगों के बीच क्या करना चाहिए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बैठनी चाहिए, किसके बीच में, ग्रुप्स के बीच में, हायर लेवल, लोअर लेवल, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। अब मोटिवेशन जरूरी है भाई, मोटिवेशन हर एक बंदे को बिल्कुल जरूरी है, कोई भी फंक्शन हो रहा है, कोई भी फंक्शन मतलब गोल, मोटिवेशनल फंक्शन होता है, मोटिवेशनल आप देखोगे, आप कोई भी बिजनेस क्या होता है, मोटिवेशनल स्पीकर हायर करता है, क्यों भाई? वहां के जब तक मैनेजमेंट के साथ साथ इम्प्लॉयज, वर्कर्स, ठीक है, जितने भी पर्सन वहां पर हैं वो मोटिवेट नहीं होंगे, तो आपका बिजनेस कैसे मोटिवेट होके ग्रोथ करेगा भाई? बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए बेसलाइन क्या होता है, उनके वर्कर्स, उनके एम्प्लॉयज, ये अगर अच्छे तो बिजनेस भी अच्छा, ये बात होता है बिल्कुल भैया, एकदम, मतलब इतना, मतलब भैया शायद ही कोई वन मैराथन में इतना कुछ डीप में जा रहा होगा। तो भाई सोच लो, मैराथन चल रहा है फिर भी हम इतने डीप में बात कर लिए पूरा। फंक्शनल एरिया, एरिया की बात करेंगे ना, एरिया ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। देखो भैया, कहाँ कहाँ यूज होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब पीपल, पीपल पब्लिक पर्सन, पब्लिक नहीं कहना चाहिए, पब्लिक के अंदर जो पर्सन आते हैं मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। देखो, ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या होता है भैया? राम है, हमारे एग्जांपल में राम ही है, क्योंकि जय श्री राम है, क्या बेहतरीन बात बोले भैया, वाह, जय श्री राम, ठीक है, अब राम है, ठीक है। राम को हमको क्या करना पड़ेगा मोटिवेट करने के लिए, इसको ओरिएंटेशन प्रोग्राम देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है, और
पर्सनल क्या बोल रहा है मैं तुमको बता रहा हूँ, ह्यूमन रिसोर्स भाई, सोशल फैक्टर भी वर्क करता है यहाँ पर। कैसे भाई, राम है। अब राम भले पैसा कमा रहा है, उसका जॉब अच्छा है, लेकिन भाई वहां पर का बिजनेस का इन्वायरमेंट इतना बेकार है, राम वहाँ 10 ठुक बात सुनता है दूसरे लोगों से, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर इन्वायरमेंट भी होनी चाहिए, राम का भी तो कोई स्टेटस होगा भाई, कुछ कोई भी आके उसको कुछ भी बोल के चले जा रहा है। तो ये सब चीज को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, और ये सब चीज को करते कैसे हैं। देखो, फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, यही सब चीज को तो मैनेजमेंट करना है भाई, यही सब चीज को तो देखना है और समझना है। ये सब चीज हम कहाँ से सीख रहे हैं, ये सब चीज हम देख रहे हैं कि यहाँ मैनेजमेंट यूज हो रहा है यहाँ पर, ये बता रहा है ये चीज, ठीक है। मैन पावर, वही चीज में बात कर रहा है बच्चा पार्टी, आप लोग समझो ये चीजों को, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का तो भाई हम बात ऊपर से लेके नीचे तक भी वही चीज बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो, कॉस्ट एनालिसिस करना, ठीक है, कॉस्ट एनालिसिस करना, ये देखो कॉस्ट एनालिसिस करना, क्वांटिटी, कौन से क्वांटिटी में प्रोडक्शन होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा कॉस्ट में प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, इसकी क्वालिटी लो नहीं होनी चाहिए, क्वांटिटी और कॉस्ट, ये क्वालिटी था तो ये क्वांटिटी और क्वालिटी लो नहीं हो लो लो होनी नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ में जो यूज़ होगा भाई, प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, ठीक है। कैसे मैनेज होगा, सब ये सब चीज़ में बात कर रहे हैं। ऑफिस मैनेजमेंट में देखो, चेकिंग ऑफ इक्विपमेंट्स और मशीनरी की कंडीशन देखना, प्लांट को एलोकेट करना भाई, जहाँ पर फैन की नीड है आप वहाँ एसी लगा के रखे हो, ये सब की चीज को भी तो मैनेज करना पड़ेगा, ऐसे तो हवा में नहीं हो जाएगा सब चीज़, हाँ भैया एकदम। इंश्योर करेगा इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ मेथड ऑफ प्रोडक्शन, भाई साहब अगर मशीन में प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी हाई चाहिए अपने को, मतलब कॉस्ट लगेगा उसके लिए भी ज्यादा, वो कॉस्ट ऐड भी होगा प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्ट का रेट हाई होगा, उसको भी तो देखना पड़ेगा भाई, वहां पर मैन पावर यूज करो बोले, यही सब चीज को डिसाइड करना कौन बता रहा है, मैनेजमेंट बता रहा है, ठीक है। फाइनेंस मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट वो है, ये आप मतलब इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि इसके नाम पे एक मतलब बुक बन चुकी है आपके लेवल में, मतलब पढ़ना है तुमको थर्ड ईयर में भी, है ना। तो देखना फाइनेंस मैनेजमेंट होता है क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बात इसमें करता है कि आपको कब शेयर इशू करना है, कब डिबेंचर इशू करना है। भाई बड़े लेवल में क्या होता है कंपनी में, भाई कब हमको शेयर इशू करना है, कब डिबेंचर इशू करना है, ये चीज को जानना है भाई। फाइनेंस को मैनेज कहाँ करना है, ये सब चीज के बारे में भाई, मैनेज करने को ही क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं, पैसे को मैनेज करना भैया, कुछ आए ना चाहे हम पैसे का वैसा बहुत अच्छे से करते हैं, उसमें आप हमारे ऊपर शक नहीं करना, ओके बेटा तुम लोग जैसा बोलो, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट सीधा डील करता है हमको कितने एडवर्टाइजिंग करनी, कितने अमाउंट एडवर्टाइजिंग में खर्चा करना, कितना अमाउंट सेलिंग में करना, तो ये सब डील जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। बच्चा बाटी, आई होप आपको इतना समझ आया होगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सब वीडियो बनाने में। तो 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोग भी पानी पी लो, ठीक है। तो देखते हैं हम उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट मैनेजर कैसे करते हैं, ठीक है। चलो चलो आगे बात करते हैं, मैनेजर मैनेजमेंट कौन कर रहा है, मैनेजर करता है। मैनेजर का वर्क क्या है, मॉनेटरी रोल, मॉनेटरी मतलब मतलब वो करना, गाइडेंस तो करना ही करना, हर सबके ऊपर नजर रखना, ठीक है। नजर कैसी होनी चाहिए, चील की नजर होनी चाहिए भैया, बिल्कुल सही बात। डिसीजन मेकर होता है, ठीक है, डिसीजन लेता है, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन करता है, किसमें, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में, ये हो गया बात, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, देखो बच्चा पार्टी एक तुम लोग को अच्छे से बता देता हूँ, यहाँ तक आपका क्या खत्म हो गया, यूनिट नंबर 1 का जो पहला चैप्टर था अभी के उसमें के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। वहां तक आप लोग का क्या होगा, चैप्टर 1 जो यूनिट नंबर 1 में था वो बिल्कुल क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें हम देखो समझेंगे कि मैनेजमेंट अराइज कहाँ से हुआ, पहले कैसे था, अभी कैसे और कैसे होना चाहिए, देखते हैं। देखो मैनेजमेंट को हम क्लासिफाई करते हैं 3 में, पहला बोल दिया क्लासिकल अप्रोच, नियो क्लासिकल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। कई कई में मॉडर्न अप्रोच नहीं होगा, मैं ऐड ऑन कर दिया हूँ, मतलब नॉलेज होनी चाहिए तो पूरी होनी चाहिए, या तो होना या तो पूरी हो, आधी नॉलेज बेकार होती, ठीक है। अब देखो हाँ, नियो क्लासिकल में बात करते हैं, ठीक है, पहले क्लासिकल, ठीक है। अब देखो क्लासिकल अप्रोच क्या बोल रहा है, क्लासिकल अप्रोच में इन शॉर्ट लाइन में बोलू ना, जो पहले यूज होती थी थ्योरीज,
ठीक है, बिगनिंग स्टेज जब हुआ, मैनेजमेंट अराइज हुआ। देखो मैनेजमेंट ऐसा चीज नहीं है कि भाई पहले नहीं होता था, सबसे पहले भाई होता था, पर हम एज अ मैनेजमेंट के नेम से नहीं उसको रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो वही बता रहे, जो पहला स्टेज हुआ ना, पहला स्टेज हुआ जब बिगिनिंग हुआ, किसका सिस्टमेटिक नॉलेज और स्टडी ऑफ मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं क्या, क्लासिकल अप्रोच बोलते हैं। और उसमें इस नॉलेज में इंक्लूड क्या होता है वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ठीक है, ऑल्सो वी कॉल ट्रेडिशनल थ्योरीज विच इंक्लूड्स एफ डब्ल्यू टेलर, हेनरी फ्योल, मैक्स वेबर, लूथर हो गया, ब्लूलिक एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखना मैं ये जो है अपने पास जो एफ डब्ल्यू टेलर है और ये जो हेनरी फ्योल है, ठीक है, इसका जो थ्योरीज है वो शायद आप लोग ट्वेल्थ में भी पढ़े होंगे। ठीक है, मैक्स वेबर हो गया और जो लूथर हो गया, ठीक है, लूथर ब्लूरी, ठीक है, ये जो हो गया, इनकी थ्योरीज हम ज्यादातर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो ये थ्योरीज दिए हैं ना फर्स्ट स्टेज में, जो बिगिनिंग में, तो उसको क्या बोल रहा है, उस थ्योरी जो इम्प्लीमेंट हो रही है ना, उसको हम लोग क्लासिकल अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, तो वही बात कर रहा है। देखो क्लासिकल थ्योरी सिग्निफाइज कर रहा है द बिगिनिंग ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ स्टडी ऑफ मैनेजमेंट, यही चीज बता रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा भाई थोड़ा सर्दी है तो इग्नोर इट, ओके। और देखो आगे देखो, अब थ्योरीज में देखो हम लोग कैसे समझते हैं थ्योरी को। देखो साइंटिफिक अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच और ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच में जो बात किया ना वो कौन है पता है, वो एफ डब्ल्यू टेलर है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में जो बात किया वो क्या है, हेनरी फ्योल है। और ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच में जो डील किया क्या है, वो मैक्स वेबर है। अब कैसे देखो, साइंटिफिक अप्रोच, भैया साइंटिफिक मतलब बोले बेस्ड ऑन कॉज एंड रिलेशनशिप विथ सम प्रिंसिपल। हाँ भैया समझ गए। आगे देखो, डिवीजन ऑफ वर्क, लेबर, अथॉरिटी, फंक्शन, प्रोसेस होना चाहिए, ये कौन बता रहा है। ये देखो इस चीज में मतलब ये थ्योरीज में पहले की थ्योरीज में क्या होती है, डिवीजन ऑफ वर्क, लेबर, अथॉरिटी और फंक्शनल प्रोसेस, यही सब चीज के ऊपर बात करता था पहले। अभी देखो सबसे पहले हम देखते हैं थ्योरी नंबर वन जो क्या होगा, एफ डब्ल्यू टेलर। ओके देखो, साइंस इज नॉट रूल ऑफ थम, साइंस इज रूल ऑफ थम नहीं है। क्यों नहीं है थम भाई, किसी के भी मतलब रूल ऑफ थम नहीं है, ये कौन बताता है, टेलर भैया बताते हैं। कुछ भी एक्सपेरिमेंट करे या प्रिंसिपल्स है उसके बेसिस में हम कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, मतलब हम बोले ये चीज ऐसा हो जाना चाहिए, ये चीज ऐसा होना चाहिए, इसके हिसाब से हम क्या डिसीजन लेंगे, क्या नहीं लेंगे। क्यों, देखो फोकस ऑन टू इंक्रीज एफिशिएंसी विथ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ वर्क, क्यों नहीं लेंगे, इसलिए भाई प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए हर चीज का। किसी के भी बेस लाइन पे हम क्या कर सकते हैं, वो नहीं ले सकते, डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब। और भाई हमको तो पता है मैनेजमेंट क्या है, आधा साइंस है, तो समझे ना तुम लोग, आया ना भैया, क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये क्या बोलता है, देखो वर्कर एंड मैनेजमेंट शुड ऑलवेज वर्क विद म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। ठीक है, कॉर्पोरेशन बोलता हूँ वो अलग है, कोऑपरेशन। ठीक है, देखो वर्कर और जो मैनेजमेंट है ना, उनको उनके बीच क्या होने चाहिए, म्यूचुअल कोऑपरेशन होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्यों, देखो बच्चा पार्टी, ओ बिगड़ गया क्या वो, दो मिनट, हाँ अब ठीक है। हाँ देखो देखो ये क्या बात करता है, कोऑपरेशन होने चाहिए उनके बीच में। देखो मैं तुम लोग को बताता हूँ, वर्कर्स के बीच, वर्कर्स है और जो मैनेजमेंट है, इनके बीच क्या होनी चाहिए, म्यूचुअल कोऑपरेशन होनी चाहिए। क्यों, देखो भाई वर्कर्स को ना ज्यादातर मैनेजमेंट के जो प्लेयर्स होते हैं, पर्सन होते हैं, ठीक है, और जो वर्कर के पर्सन को क्या समझते हैं पता है, ये नीचा दिखाते हैं, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इनको बोलता है तुम तो छोटे लोग हो, कम पैसा कमाते हो, ऐसा। ठीक है, और वर्कर्स को ऐसा लगता है कि भाई मैनेजमेंट इन लोग ज्यादा बड़े लोग हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं, इन लोग अपने मन का हमेशा करते हैं, हमसे ज्यादा काम करवा लेते हैं, ऐसा। तो यही चीज को क्या बोल रहा है टेलर भैया, बात कर रहे हैं इस चीज में, एफ डब्ल्यू टेलर भैया बोल रहे हैं कि उनके बीच क्या होनी चाहिए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्लस साथ में कोऑपरेट करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब कि ये नहीं हुआ तो भाई आपका बिजनेस तो डाउनफॉल करना चालू कर देगा, तो ये होना चाहिए हमेशा। ठीक है, इट शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन एवरी फॉर्म और बिजनेस। ठीक है, आगे बढ़े।
देखो, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, वही बात कर रहा है। मैं बताता हूँ अलग पॉइंट में क्यों दिया है, ठीक है। देखो, एक्टिंग ज्वाइंटली और ए यूनियन टूवर्ड्स अचीविंग द सेम रिजल्ट, ये पॉइंट इसमें अलग करता है इसको। सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट कैसे भैया? देखो, इसको कर लेते हैं हम रेड, ये मजा आएगा। हाँ देखो, सेम रिजल्ट कैसे भाई? वर्कर है, मैनेजमेंट है, इनके बीच क्या होनी चाहिए? इनके बीच होनी चाहिए क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? किनके बीच? वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में कॉपरेशन होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये बात किसमें की? हमने हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड में की है ना। अब इनके बीच एक सेम गोल होना चाहिए, इनके बीच क्या होना चाहिए? एक सेम गोल होना चाहिए अचीव करने का। मतलब कि भाई आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ये देखो, ये देखना, ये लोग सेम रिजल्ट के ऊपर वर्क करने चाहिए, ठीक है। सेम रिजल्ट्स के ऊपर वर्क करो। तो ये सब चीज कैसे होगा? जब कॉपरेशन होगा साथ में, ठीक है, और क्या होगा? और क्या होगा? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बैठेगा उनके बीच में, ठीक है। तो कॉपरेशन नॉट इंडोलिज्म, यही हमको बता रहे हैं कि उनका जो गोल होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, अलग अलग उनको नहीं बताना। और वर्क कैसे होने चाहिए भाई? एक बात बताओ, विथआउट वर्कर आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, विथआउट मैनेजमेंट आप डिसीजन किसी चीज के बारे में नहीं ले सकते। तो सब साथ में रहे, कॉमन गोल के लिए वर्क करें, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विथ कॉपरेशन, ठीक है, और कॉपरेट करने की क्षमता जो मतलब होनी ही चाहिए। इसके बिना तो हम वरिया मतलब मैनेजमेंट और बिजनेस में ये नहीं है, तो भाई डाउनफॉल इज हो गई होगा। तो इतना है इसमें, ठीक है। तीन पॉइंट है, और भी पॉइंट रहते हैं, लेकिन जो मेन तीन पॉइंट है आपको मैं बता दिया। साइंस इज नॉट रूल ऑफ थम, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। आप लोग को आई होप समझ आया होगा भैया, एकदम मतलब टेलर भैया ने क्या बोला ब्लड में। इन शॉर्ट हेनरी फ्रोल जी क्या बात करते हैं, देखो अब ये बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स के ऊपर, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल कैसे होते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। हेनरी भैया हमारे हैं, वो ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड बोलते हैं, अंडरटेक करो, ठीक है, समझो कैसे। देखना, टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, सिक्योरिटी। ये क्या भैया सिक्योरिटी? सिक्योरिटी दो बार कर दिया, लिखा गया होगा, ठीक है। ये ना ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बात करते हैं, मतलब हाउ वी वर्क विथ ह्यूमन और वर्कर, और मतलब पर्सन जो भी जिसके पर्सन से हम काम करवा रहे हैं, ठीक है, उनके बीच क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। वे कुछ यहाँ पर भी तो हम वैसी बात कर रहे थे। हाँ, ये इसका अलग प्रिंसिपल है, हेनरी भैया ने अलग प्रिंसिपल दिया, ठीक है। वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बात कर रहा है, ये बात कर रहा है फर्म के ऊपर बात कर रहा है। ऊपर में हम लोग क्या देखें, ये साइंटिफिक अप्रोच है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है, समझे ना आप? हाँ ठीक है। तो भैया हेनरी ने क्या बात कर रही है, देखो जनरल प्रिंसिपल है सबसे पहले तो इसका, ठीक है, जो होना ही चाहिए ऐसा टाइप का। डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए भाई, वर्क बंदा है, ठीक है, इनके बीच क्या होनी चाहिए? डिवीजन ऑफ वर्क होनी चाहिए। आप वर्कर हो, आप मैनेजमेंट हो, या फिर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, या परचेस डिपार्टमेंट हो, ये क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो डिवीजन ऑफ वर्क बोल दिया। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, भैया क्या दोनों सेम है? नहीं। अथॉरिटी मैं पहले ही बताया हूं तुमको क्या है, पावर। अथॉरिटी मतलब होता है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन इसमें आता है, किसमें? अथॉरिटी में, ठीक है, लेकिन वो आगे में है, अभी समझ अभी की उसमें नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करते हैं, द ऑब्लिगेशन टू आंसर वन, ये हुआ तो क्यों हुआ, आंसरेबल होना चाहिए। वो क्या बात कर रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, भैया 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 एकदम क्लियर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कंपलसरी है भाई, फ्योल डिक्लेयर्स दैट द डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल। मतलब कि देखो डिसिप्लिन कैसे बात कर रहा है, कोई भी वर्क को इम्प्लीमेंट करना है या गोल को अचीव करना है, ठीक है, गोल को अचीव करना है, सबऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स
उसके बाद मैनेजमेंट आ गया, इम्प्लॉय आ गया और वर्कर आ गया, ठीक है। अब ये सब आ गया ना, ये सब जो भी देखो, सबसे पहले आ गया सबऑर्डिनेट्स या फिर ऑर्डिनेट्स, या फिर हमारे पास आ गया एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बाद आ गया वर्कर, ठीक है। अब ये सब को एक कॉमन गोल को अचीव करना है, ठीक है। इनसे सबऑर्डिनेट ने किनको बताया, ऑर्डिनेट्स को या एम्प्लॉयज को या वर्कर को। ये ऐसे करके क्या हुआ, इंफॉर्मेशन का क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब एक बताओ, ऐसे ही जाना चाहिए या फिर सबऑर्डिनेट डायरेक्ट वर्कर को बता रहा है कि आपको ये गोल को अचीव कर देना है। अब भाई एम्प्लॉयज तो बता ही नहीं है कि कितना स्टॉक रखाया है, क्या भाई एम्प्लॉयज ही चेक करते हैं ज्यादातर, ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो चेक करेगा, ठीक है। अब वर्कर को हम बोल दिए कि आप ये प्रोडक्ट को 20 रुपए में बेच दो। अब भाई वर्कर के बाद तो सेलिंग डिपार्टमेंट आता है ना, क्या तो भाई भैया इसको बेचना है तो सब ऑर्डिनेट मैनेजर जाके डायरेक्ट, मैनेजर तो इसमें होगा, ठीक है, सब ऑर्डिनेट जाके या फिर ओनर बोल सकते हैं, जाके डायरेक्ट बोल रहे हैं डील करो कि भाई इस प्रोडक्ट को 20% प्रॉफिट में बेच दो। अब भाई उसमें कितना प्रॉफिट ऐड होगा, वो सेलिंग डिपार्टमेंट परचेस मतलब क्या, कितना खर्चा परचेज में हुआ है, कितना है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोडक्शन, क्या ये सब चीज को पता लगाने के बाद ना बताएगा। तो एक डिसिप्लिन होनी चाहिए, हायरार्की लेवल मेंटेन होनी चाहिए, ये सब चीज को बता रहे हैं। डिसिप्लिन इज कंपलसरी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म और बिजनेस कह सकते हैं हम, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड देखो, यूनिटी ऑफ कमांड ये बोल रहा है आपको ना ऑर्डर मिलना है, समझो ऑर्डर कैसे मिलना है। अब देखो मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर बोल दिए या फिर मैं बात कर लेता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन में दो बंदे रखे हैं, ठीक है, इन दोनों ने बात नहीं किया कि क्या करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो परचेस डिपार्टमेंट में जो प्लेयर्स है, यहाँ पर राम है और ये श्याम है, या फिर राम और रोहित है बोल दिए, ठीक है, राम रोहित है। राम डायरेक्ट जाके बोल दिया इसको कि आप जो है ये प्रोडक्ट है और इसको प्रोड्यूस करो, ठीक है। वर्क को यहाँ पर प्रोडक्ट लिख देता हूं मैं, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ये प्रोडक्ट को क्या करो, प्रोड्यूस करो, ठीक है। राम बोल रहा है कि टॉय बनाने के लिए, ठीक है। रोहित जाके बोल रहा है आप टॉय बनाओ, लेकिन आप ट्रेन वाले टॉय बनाओ। भाई ये बोल रहे हैं टॉय बनाओ, ये बोल रहे हैं ट्रेन वाले टॉय बनाओ, ये टॉय में कौन सा टॉय बनाना है नहीं बताया, मतलब इन दोनों के बीच क्या बात हुआ है इनको पता नहीं है और ये कंफ्यूजन हो रहे हैं आप। तो देख रहे हो इतना कंफ्यूजन है भैया। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कमांड जो है वो एक तरीके मतलब सेम आनी चाहिए और एक पर्सन से आनी चाहिए, अलग अलग बात मत करो, मामला आप ही का गड़बड़ होगा फिर। बिल्कुल सही बात है बच्चा पार्टी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप क्या है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, या फिर इंस्टा में क्या करो आप मैसेज कर दोगे, या फिर तो उसमें से आपको क्या करेगा इस नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, या टेलीग्राम में इजिली मिल जाता है, तो ये चीज है, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बात सेम कर रहा है, वन प्लान होना चाहिए, वन गोल होना चाहिए, वन पाथ होना चाहिए, मतलब भाई हमको जाना है कहाँ, हमको जाना है जम्मू, कहाँ, वैष्णो देवी माता जी के पास, ठीक है। अब यहाँ जाने का तरीका तो भाई देखो, जाने का तरीका तो दो है, कैसे जा सकते हैं हम पहाड़, माउंटेन में जाना है भैया, ठीक है, माउंटेन में कैसे जा सकते हैं भैया, हम हेलीकॉप्टर से जाते हैं, ठीक है, ये बना दो हेलीकॉप्टर। अरे हेलीकॉप्टर नहीं आता भैया हमको बनाने, ये चार पंख ऊपर में लगा दिए, ठीक है, ये आपका हेलीकॉप्टर है, ठीक है। या तो हमको क्या है पहाड़ चढ़ते चढ़ते घूमते घामते जाएंगे, ठीक है, ये दो तरीका है। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बात यही कर रहा है, आपको जाना है एक तरीके से, मतलब ये दो तरीके आपके पास ऑप्शन है, जाना कैसे है, कैसे नहीं जाना है, क्या सिस्टम से जाना है, कौन सा पाथ में जाना है, वो सब हम बताएंगे, ठीक है। गोल क्या है, गोल है हमको जम्मू, देखो माउंटेन में चढ़ के या तो हम क्या कर सकते हैं, या तो भैया वहां से जाके हम क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं वहां जाके, या तो हम दर्शन करने डायरेक्ट जा सकते हैं, या वहां के ऊपर में जो एक दो शॉप है वहां घूम सकते हैं, ठीक है, या वहां जाके खा सकते हैं। अब भैया हमको मेन गोल तो बताना पड़ेगा ना भैया, हम क्या करने जाना है, हमको वहां पर टेम्पल जाना है दर्शन करने, ठीक है, मेन गोल ये है, ठीक है, इस और कैसे जाना है हमको, बाय रोड जाना है, बाय माउंटेन जाना है जाके, हमको हेलीकॉप्टर से नहीं जाना है, माउंटेन रोड से जाना है हमको। तो हाँ ये चीज भैया आपने जो बताया है ना, सुपर से भी ऊपर है, ऊपर ही ऊपर है,
देखो पहाड़ भी तो ऊपर है भैया, क्या बात कर रहे हो आप। ठीक है, गए हो ना आप लोग भी? ठीक है, गए भैया गए। अब देखो, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब बात वही था इसमें भी, सेम ही बात कर रहे हैं ना इसमें भी, वही एक इंटरेस्ट होनी चाहिए। मतलब इनके बीच देखो वर्कर्स है और मैनेजमेंट है, जो भी यहाँ पर एम्प्लॉय है, सबके बीच क्या होनी चाहिए, वर्कर एम्प्लॉय और मैनेजमेंट सबके बीच एक ना जनरल इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब कॉमन इंटरेस्ट भैया उनके में अंदर में ये भावना होनी चाहिए कि भाई हाँ वो बिजनेस के लिए वर्क कर रहे हैं, कोई उसमें पर्सनल कोई भी चीज को नहीं लेना चाहिए। जैसे अब मैनेजमेंट ए से बी ने, मैनेजमेंट ए टू बी समझो, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, अब दोनों डिपार्टमेंट के बीच में क्या है, आपस में ना आनाकानी है, ठीक है, नहीं बनती दोनों डिपार्टमेंट की। ये भाई ये इनका अंदरूनी मामला है, बाहर के मैनेजमेंट को नहीं पता, तो ये चीज नहीं होना चाहिए बिजनेस के अंदर। समझ में आया ना? बिल्कुल भैया, आगे बढ़ लो। रिमेनरेशन ऑफ पर्सनल, ठीक है, ये क्या बोलता है, फेयर वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सन है ठीक है, वर्कर से हम पता चल रहा है ओवरनाइट काम करा रहे हैं, अच्छा रिमुनरेशन भी नहीं दे रहे हैं उसको, तो होना चाहिए क्या, फेयर वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए ना सैलरीज एंड वेजेस। हाँ, सेंट्रलाइजेशन बात करता है पावर का, डिवीजन का, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोलना चाहिए इसको, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करता है क्या सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, तो ये होनी चाहिए। एक ही बंदा सब चीज कर लेगा, नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा भाई इसको भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई पावर को क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, अथॉरिटी दूसरे के पास जाएगा तब तो वर्क क्या होगा, अच्छा होगा, तब तो भाई तब तो लगेगा हाँ भाई इस बिजनेस में हम भी कुछ साझेदारी निभा रहे हैं, ठीक है। स्केलर चेन, सिस्टम ऑफ हायरार्की, मैं तुम लोग को इतना देर से क्या बता रहा हूँ, लेवल होना चाहिए, टॉप लेवल, लोअर मिडिल लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है, इनके बीच क्या होनी चाहिए, इनके बीच क्या होनी चाहिए, एक प्रॉपर क्या होनी चाहिए, लेवल मेंटेन है और इनके बीच एक हायरार्की सिस्टम, पहले टॉप लेवल आएगा, देन मिडिल लेवल आएगा, देन लोअर, देन उसके बाद मतलब जो और वर्कर्स वगैरह डिपार्टमेंट है वो सब आएंगे, तो एक सिस्टम होना चाहिए इनके भी। डायरेक्ट टॉप लेवल जाके बात कर रहा है वर्कर से, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा भैया, बिल्कुल। ऑर्डर, अरेंजमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ थिंग्स और पर्सन, ऑर्डर मतलब क्या बोल रहा है, देखो वही बताया ना, इसमें मशीनरी है भाई, आप क्या है प्रोडक्शन मशीनरी को आप ऑफिस में जाके लगाओगे क्या है भाई, यहाँ पर मतलब समझ रहे हो भैया, देख रहे हो मतलब बात ऐसे है, मतलब ये नहीं भी बताता तो हमको पता है भैया। अब प्रोडक्शन करने की मशीनरी है भाई, उसको तो प्रोडक्शन चेंबर या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही लगाएंगे, ऑफिस में तो नहीं लगाएंगे। हाँ भैया बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो ये बताने का बात है क्या, अरेंजमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ थिंग्स और पर्सन, भाई पर्सन भाई जो मशीनरी में चलाना आता है उसको मशीनरी में लगाएंगे, जो ऑफिस में आता है उसको ऑफिस में लगा देंगे, तो कोई ऐसा कोई सेंस नहीं था बात करने का, लेकिन बट देखो प्रोसेस में सबसे पहले क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ डिवीजन टू जनरल इंटरेस्ट, रिमुनरेशन ऑफ पर्सनल, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर्स एंड ऑर्डर एंड इक्विटी, इक्विटी 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 भैया वो शेयर वाले इक्विटी बोल रहे हैं क्या? नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ काइंडनेस एंड जस्टिस मैनेजर डीलिंग विद सबऑर्डिनेट, ये क्या बात कर रहा है भैया कुछ बताओ। देखो ये बात कर रहा है बच्चा पार्टी की, देखो इक्विटी, इक्विटी मतलब क्या होता है, मैं इस ये चीज को ऑलरेडी हम ना डील कर चुके हैं ऊपर के पॉइंट में, ठीक है, जो मैनेजर हो गया, ठीक है, मैनेजर हो गया, सबऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है, इनके बीच क्या होने चाहिए प्रॉपर, इन लोगों को क्या लगता है, कई के बाद जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देखो ये सेंट्रलाइजेशन है, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो भाई सबऑर्डिनेट्स के अंदर आते हैं मैनेजर्स, ठीक है, ऐसे हो गया, ये सब चीज जब होता है ना तो क्या होता है, उनके बीच ना घमंड सी आ जाती है कि भाई हमारे पास पावर है, हम इस बिजनेस के करते धरते हम कुछ भी करेंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, तो ये चीज नहीं आना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए सबके साथ, ठीक है, तो यही सब चीज का जो कॉम्बिनेशन है, यही सब चीज का जो कॉम्बिनेशन है, पावर कैसे जाएगा, ये सब चीज क्या है, इक्विटी के अंदर आता है, तो इन शॉर्ट बोले तो स्टेबिलिटी, याद करो ऊपर में पढ़े थे, इंसेंटिव मिलना चाहिए ऊपर में डील कर, स्पिरिट डिकॉप, स्पिरिट डिकॉप वही बात कर रहे, देखो अपन ने ऊपर बात करा था ना, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्डेड का बात किया था, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड वाला बात करे थे ना, देखो
ये रहा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है। तो वही यही यही चीज बात कर रहा है फ्यूल भैया भी कि भाई हार्मोनी होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सबको एक एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए और आगे चलना चाहिए। तो टीम स्पिरिट होनी चाहिए, साथ में ग्रो करेंगे क्योंकि अकेले नहीं हो पाता भाई, बिजनेस बहुत सी प्रॉब्लम्स है तो सबको डील करना पड़ेगा। तो स्पिरिट डिकॉप एक टीम वर्क, टीम स्पिरिट होनी चाहिए उनके बीच। बच्चा पार्टी अब तो एक लाइक बिल्कुल मतलब शेयर तो कर ही देना आप तो भाई, इतना मतलब बढ़ चढ़ के भाई हम भाग लिए इसमें, मतलब पार्टिसिपेट करे हैं कि मजा आ गया भैया। लेक्चर भी जोरदार, एक शॉट में बैठे हैं, खत्म ही करके उठेंगे, खत्म ही, ज्यादा बड़ा नहीं है बच्चा पार्टी। अब थोड़ा सा और वेट कर लो आप लोग, फिर तो पक्का देखो खत्म करते हैं। हो गया ना ऊपर का, तो हो गया स्प्रिट। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या बोलते हैं पता, हिंदी में तुम लोग बोलो ना नौकरशाही। नौकरशाही मतलब जो वर्क करते हैं ना, एक बंदा किसी के अंडर वर्क कर, यही बता रहा है ब्यूरोक्रेसी, एक लाइन में बताया नौकरशाही मतलब वही होता है, ठीक है हिंदी में। अरे रफ क्यों हो गया, हाँ देखो लिख देता हूँ यार इसको क्या हो गया, अकॉर्डिंग था ना, ठीक है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर आइडिया और ब्यूरोक्रेटिक्स मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी हायरार्कियल एंड हैव वेल डिफाइंड रूल्स टू गवर्न इट एंड इट्स मेंबर्स। मतलब देखो ब्यूरोक्रेसी मतलब देखो मैं तुम लोग को बताया ना हायरार्की, मैं तुम लोग को कब से एक चीज एक वर्ड बोल रहा हूँ हायरार्की हायरार्की, और ऊपर में बताया भी वही वही बोल रहा है। एक क्या होनी चाहिए इनके बीच ना, एक वेल डिफाइंड क्या होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विद ए सिस्टमेटिक ऑर्डर इज कॉल्ड हायरार्की। ओके ये चीज समझे ना तुम लोग को, और वही चीज क्या है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है। देखो टॉप लेवल, टॉप लेवल के अंडर आएगा मिडिल लेवल, मिडिल लेवल के अंडर आएगा लोअर लेवल, तो देखो सब इसके क्या है अंडर में। तो यही क्या है नौकरशाही मतलब क्या बोले, मतलब वही एक ओनर है ठीक है, उसके अंदर एक कोई भी नौकरी जो कर रहा है ठीक है, हिंदी में बोले तो नौकरी, या फिर वही क्या हायरार्की जो बोल रहे थे ठीक है। हायरार्की मतलब एक अंडर में वर्क होनी चाहिए सिस्टमेटिक रूल्स के साथ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर्स वर्क्स एंड अथॉरिटी होनी चाहिए ठीक है, और जजमेंट ये सब चीज बात कर लिया ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में। बच्चा पार्टी चलो चलो चलो, नहीं थकना है नहीं थकना है, बढ़ते रहना है बढ़ते रहना है। देखो करेक्टरिस्टिक बता दिया तुम लोग को, अब एक्स्ट्रा जानने की जरूरत नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिविजन ऑफ वर्क होना चाहिए बता चुका हूँ तुम लोग को, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मतलब वही चीज है ठीक है, रूल्स रेगुलेशन डिविजन ऑफ वर्क होना चाहिए, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होनी चाहिए ठीक है। और क्या बच्चा अब क्लासिकल हो गया ना तुम लोग का, क्लासिकल तो हो गया और आगे बढ़ते हैं नियो क्लासिकल। देखो नियो क्लासिकल ये बात कर रहा है ना, देखो क्लासिकल का एक ड्रॉबैक था वो ना ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर बात नहीं करता था ठीक है, ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर बात बिल्कुल नहीं करता था, मतलब नहीं ही करता था, मतलब कैसे भैया वो ना, देखो इतना देर से हम क्या देख रहे हैं पता है, इतना देर से हम जो भी समझे क्लासिकल में समझे, फ्यूल की थ्योरी देखे, टेलर की थ्योरी देखे, मैक्स वेबर की थ्योरी देखे, सब ने एक फॉर्मल वे की बात करी है, बस एक फॉर्मल वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस, फॉर्मल मैनर ऑफ बिजनेस की बात करी है, जो नॉर्मल जिसको अपन नॉर्मल जजमेंट के थ्रू जो लेते हैं, देखो फॉर्मल मैनर ऑफ फॉर्मल मैनर ऑफ बिजनेस ठीक है, फॉर्मल मैनर ऑफ बिजनेस इसके ऊपर सब ने बात करी ठीक है। अब भाई मेरे को एक बात बताओ, बिजनेस है, बिजनेस में राम है ठीक है और रोहित है ठीक है, अब मेरे को बताओ ये सेम डिपार्टमेंट ये अंदर वर्क कर रहे हैं ठीक है, अब रोहित राम है वो रोहित से बात करने के लिए फॉर्मल मैनर ऑफ टोन, या फिर समझो राम जो है टॉप लेवल में है और जो रोहित है वो मिडिल लेवल में है, ये अच्छे समझाएगा तुमको ठीक है, देखना मिडिल लेवल में। अब देखो राम है रोहित है ठीक है, या फिर इसको लोअर लेवल में ले लो ठीक है,
तो राम को रोहित से बात करने के लिए सबसे पहले मिडिल लेवल से बात करना पड़ेगा। क्या कंपलसरी रूल है क्या? हाँ मतलब फॉर्मल है, इतना देर से अपन में क्लासिकल थ्योरी में देख नहीं रहे थे भाई। आप हायरार्की नहीं तोड़ सकते, ठीक है? आप किसी के मतलब राम को नीड क्या है, रोहित को नीड क्या है, ठीक है? राम को रोहित से बात करने के लिए मिडिल लेवल का हेल्प लेना पड़ेगा, बिना उसके बात नहीं होगा, टॉप लेवल और लोअर लेवल बात नहीं कर सकते। मतलब देख रहे हो कितना रिजिड है भाई क्लासिकल थ्योरी। भाई पर्सनल इनफॉर्मल तो होने ही नहीं दे रहा है, इनफॉर्मल तो होने ही नहीं दे रहा है। तो यही चीज नियो क्लासिकल ने बताया क्या कि भाई साहब इसमें हम बात करेंगे, ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी भी बोलते हैं इसको, इनफॉर्मल मैनर में इंश्योर करेंगे बेटर कम्युनिकेशन अमंग डिफरेंट अथॉरिटीज। देखो एक लाइन में पूरा तुमको थ्योरी बता दिया नियो क्लासिकल में, ठीक है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये समझे ना? डिसेंट्रलाइजेशन मतलब देखो सेंट्रलाइजेशन पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को लेना, ये चीज है। अब तुम लोग समझना, नियो क्लासिकल थ्योरी में एक एग्जांपल और बता देता हूं तुम लोगों को, ठीक है? तो और अच्छे से समझ लोगे। राम और रोहित का बता दिया ना, ठीक है? अब देखो सेम एग्जांपल है लेकिन समझने के लिए हम एक देखो, हाँ वुड है, ठीक है? वुड चेयर प्रोड्यूस करना है, ठीक है? वुड चेयर प्रोड्यूस करना है, ये हमारा गोल है, ठीक है? गोल है। अब ठीक है, अब यहां पर इन लोग एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट नंबर ए, ठीक है? जो पता लगाता है कि कब हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस रॉ मटेरियल को परचेस करेंगे, ठीक है? हाउ वेयर व्हेन, ये चीज बताता है, ठीक है? अब देखो टॉप लेवल में कोई मैनेजर है, टॉप लेवल में कोई मैनेजर है, ठीक है? इसको पता चला, मैनेजर को पता चला भाई कि दो दिन में क्या होने वाला है, दो दिन में ये रॉ मटेरियल का रेट जो है हाई होने वाली है, हाई होने वाली है, ठीक है? अब मैनेजर डायरेक्ट जाके, अब देखो नियो क्लासिकल में क्या होता, मैनेजर डायरेक्ट जाके जो वुड चेयर प्रोड्यूस करेगा, डिपार्टमेंट जो प्रोड्यूस करेगा उसको जाके डायरेक्ट बता दिया भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जल्दी जाके आप डील कर लो, क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल है उसकी दो दिन में रेट क्या होने वाली है, रेट हाई होने वाली है, तो आपको क्या परचेस फिर हाई पड़ेगा उस टाइम पे, ठीक है? अब इस चीज का नॉलेज डिपार्टमेंट ए को है ही नहीं, डिपार्टमेंट में ए को है ही नहीं, पता ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पता ही नहीं। और डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को देख रहा, अरे भाई ये खरीद कैसे रहा है रॉ मटेरियल, मैंने तो बोला नहीं और अभी खरीद रहा है, अभी तो नीड भी नहीं है तो क्यों खरीद रहा है? तो अब देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पर यहीं पर क्या आया, न्यू क्लासिकल का अप्रोच आ गया कि भाई मैनेजर जाके बता दिया इसको, तो अच्छा ना किया, अच्छा काम किया भाई, भाई रेट हाई होगा तो भाई कौन खरीदेगा? अब भाई डिपार्टमेंट, अब उसके अब मैनेजर सबसे पहले इसको जाके बताता कि भाई डिपार्टमेंट ए, भाई ये होने हो गया है, रॉ मटेरियल का रेट दो दिन में हाई होने वाला है। अब उसके बाद भाई इतना भाई जब डायरेक्ट जाके कॉन्टेक्ट कर सकता है तो क्यों ना करे, क्यों कम्युनिकेट ना करे? नियो क्लासिकल ये बात कर रहा है टोटल। भैया इतना बेहतरीन एग्जांपल दिए हो ना, जाने दो, मतलब बस बस खत्म बच्चा पार्टी, मॉडर्न अप्रोच। अब देखो तुम लोग बने हो इसके लिए थैंक यू सो मच, ठीक है? मॉडर्न अप्रोच तीन शॉर्ट एक लाइन में बोलूं, अभी के डेट में जो मैनेजमेंट यूज हो रहा है वो मॉडर्न अप्रोच है। अभी के डेट में तुम जितना देख रहे हो ना, सब बिजनेस फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन सब मैनेज मॉडर्न अप्रोच है, यही है, ठीक है? दिस ग्रुप बिलीव्स दैट इफ मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग इज ए लॉजिकल प्रोसेस, ठीक है? यहाँ पर जो हुआ क्लासिकल नियो क्लासिकल में वो सब का कॉम्बिनेशन जो है वो मॉडर्न अप्रोच है, सब यूज होगा, हर चीज आएगा। क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट मतलब कि कुछ भी एजम्पशन ले रहे हैं, ठीक है? तो इसके हर एक एजम्पशन के बीच या हर एक डिसीजन के बीच एक क्या होनी चाहिए, एक प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए, हर एक डिसीजन के एक प्रॉपर एनालिसिस, ठीक है? प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए,
मॉडर्न अप्रोच यही बता रहा है बच्चा पार्टी, मतलब इन शॉर्ट बोले कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासिकल और नियो क्लासिकल, ठीक है। और वो डिसीजन कैसा होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। अब देखो ये देखो डिमांड सप्लाई तो आपने पढ़ा ही होगा, इसको समझें क्या एक बार और एक एग्जांपल से देख लो बस। तुम लोग आई हो, मेरे को पता है तुम लोग एकदम वो हो गए हो, थक गए हो, लेकिन देखो एक एग्जांपल देख लो, फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देके सॉर्ट आउट करते हैं सब चीज, ठीक है। अब देखो एग्जांपल बोल रहा था, हाँ मॉडर्न क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासिकल और नियो क्लासिकल है, ठीक है। वो क्या होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव मतलब कैलकुलेट होनी चाहिए। कुछ भी चीज करने के लिए मतलब एक्यूरेसी हाई हो जाती है मॉडर्न अप्रोच जब हम यूज करते हैं किसी भी चीज को करने का, ये चीज होगा मतलब गोल कंप्लीट होगा, 90% गोल कंप्लीट होगा, ये एक्यूरेट है, ठीक है। एक्यूरेट मतलब एक्यूरेसी लेवल हाई हो रही है। अब ये और अच्छे से एनालिसिस करेंगे 97% आपको प्रॉफिट होगा, तो ये चीज क्या एक्यूरेशन लेवल क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। तो यही सब कैसे होता है, कैलकुलेशन और क्या होता है, प्रॉपर एनालिसिस और प्रॉपर क्या होता है, रिसर्च एंड वो होता है, किसी भी चीज को कैलकुलेट किया जाता है इस चीज में, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा, डिमांड और सप्लाई तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से उनको तो अच्छे से पता होगा भैया डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, ठीक है। अब देखो डिमांड सप्लाई में क्या होता है, एक कैलकुलेशन होता है प्रॉपर भाई, किसी भी चीज की अगर डिमांड हाई होती है, किसी भी चीज की डिमांड अगर हाई होती है तो एक चीज आप लोग देखोगे इसमें सप्लाई का भी फैक्टर आता है अंडर में, ठीक। अब मेरे को बताओ अगर कोई मार्केट में अगर सप्लाई ज्यादा होगा, कोई भी मटेरियल का सप्लाई अगर हाई हो गया तो उसकी रेट जो है डाउन होती है, फिर डाउन होती है, क्यों, क्योंकि ये जो सप्लाई है टॉय का टाइज, देखो टॉयज है, ठीक है, ट्रेन का टॉयज है, ठीक है, उसकी सप्लाई ज्यादा हो गई है मार्केट में, सबके पास आ गया भाई, कौन खरीदेगा, तो इसलिए क्या करता है जो वो सेलर होता है उसको क्या करना पड़ता है भाई, सप्लाई रेट को कम करना पड़ता था, ये सामान तो जल्दी तो बिके, ठीक है। और किसी भी चीज का अगर मार्केट में शॉर्टेज होता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। एग्जांपल के लिए आप ले लो ओनियन, ठीक है, कोरोना में तो देखे थे ना भाई कैसा चढ़ा था रेट भाई हर चीज का, बाप रे जाने दो वो दिन को, समझ गया ना, क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट कैलकुलेशन होता है इसलिए। अब देखो लास्ट में है ये डिफरेंस, तुम लोग को बताने की नीड नहीं है पर देख लो एक बार ओवर, मतलब थोरली देख लो ऊपर से कि होता गया है। ये देखो स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, इम्पर्सनल मैकेनिकल ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोशल सिस्टम, ठीक है, इसमें हम लोग देखे थे इनफॉर्मल मैनर में भी डील कर सकते हैं। फोकस क्या कर रहे हैं, ऑन वर्क एंड इकोनॉमिक नीड्स ऑफ वर्कर्स, ठीक है, ऑन स्मॉल ग्रुप छोटे छोटे ग्रुप्स में, ऑन इमोशन एंड ह्यूमन की क्वालिटीज है ना, हाँ क्वालिटीज एंड ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। हमने देखा यहाँ पर सोशल फैक्टर भी नहीं आ रहा था, तो बिल्कुल है, ये तो सिर्फ वर्क वर्क करो, सिस्टमेटिक में करो, फॉर्मल में करो, बस इतना ही में समाप्त था थ्योरी, ठीक है। एम्फसाइज कर रहा है ऑन ऑर्डर एंड रेशनलिटी, ठीक है, और ये बता रहा है ऑन पर्सनल सिक्योरिटी सोशल नीड वर्कर वाइल अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये तो मतलब इनका तो कोई वो ही नहीं था ना इनके थ्योरी में, क्लासिकल थ्योरी में भाई कोई पर्सनल के सिक्योरिटी सोशल नीड के बारे में बात ही कहाँ कर रहा था, इसमें कर रहा है, इसमें देखो ना रेशनलिटी बोल दिया ये तो, ठीक है। बिहेवियर और बिहेवियर में देखो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज ए प्रोडक्ट ऑफ रूल ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, और इसमें क्या बोलते हैं, बिहेवियर इज ए प्रोडक्ट ऑफ फीलिंग एंड सेंटिमेंट्स एंड एटीट्यूड्स, ठीक है। तो इस सब चीज को तो तुम लोग फिर से बताऊं कोई जरूरत ही नहीं, ऊपर ही में सब डील कर सकते हैं, सिर्फ ओवरव्यू देख लो, ठीक है। प्रैक्टिस अथॉरिटेरियन प्रैक्टिस और एलोबरेट रूल्स एंड रेगुलेशन डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस इवॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड वैल्यू, ठीक है। रूल्स रिजल्ट्स में बोल रहा है वर्कर के एलाइनेशन और डिससेटिस्फैक्शन हैप्पी एंड सेटिस्फाई एम्प्लॉयज ट्राइंग टू इंक्रीज प्रोडक्शन, मतलब ये देखो प्रैक्टिस और रिजल्ट में एक ही चीज बात कर दिया कि ये क्या बात कर रहा है, इसमें क्या होता है डिससेटिस्फैक्शन होता है किसमें, देखो इन शॉर्ट भाई हमने देखा है कि भाई कोई भी बिजनेस है कोई भी मैनेजमेंट है, ठीक है, वर्कर और मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट
रिसोर्स है जो क्या करते हैं, यूज होते हैं, ठीक है, बिजनेस को कोई भी ग्रो करने के लिए, अगर वो सेटिस्फाई है, वो बेस ले लाइन आपका बेस सही है, तो भाई सब आगे भी सही जाता है, ठीक है। विदाउट वर्कर्स, ठीक है, उनके उनके आप नीड्स के ऊपर, ठीक है, एम्प्लॉयज के नीड्स के ऊपर आप बिना बात करें आप बोलोगे कि मैनेजमेंट उसको फोर्स करोगे कि प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, क्यों वर्क नहीं कर रहे, ये सब चीज बताओगे क्यों बस भाई, विदाउट उसके नीड्स को जाने बिना, उनको उनको सोशल फैक्टर, उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनको कंपनसेशन चाहिए और क्या बोनस चाहिए, ये सब चीज उनको देना पड़ता है ना, पर्क्स चाहिए उनको, तो ये सब चीज भाई अलॉट करना, ये सब चीज बात कौन कर रहा था, ये सब चीज बात नियो क्लासिकल कर रहा था, क्लासिकल में तो देखो ये सब चीज बात ही नहीं करता, केवल और केवल रिजल्ट रेगुलेशन करो बस, रूल्स रूल्स रूल्स, ठीक है। और इसमें तो बात करें नियो क्लासिकल, तो ये सब चीज अलग बनाता है नियो क्लासिकल को, रिकॉग्नाइज कर रहा है, देखो ये देखो रिकॉग्नाइज कर रहा है, क्या रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंट ऑफ ह्यूमन डिग्निटीज एंड वैल्यू, वही बात कर रहा है जो अभी मैं तुम लोग को बताया, हैप्पी एंड सेटिस्फाई एम्प्लॉय ट्राइंग टू इंक्रीज। अब एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा तो भाई ऑलरेडी भाई आपका क्या है, ग्रो करेगा, ठीक है, प्रोडक्शन या फिर फॉर्म जो भी है। तो बच्चा पार्टी इतना था इस मैराथन में, ठीक, आपका यूनिट वन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये लेक्चर मैराथन का बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज अब तो एक लाइक बिल्कुल बनता ही बनता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट मैराथन में, ठीक है, जो कि बेस्ड रहेगा या तो कॉस्टिंग का ले लेंगे या फिर इसी का यूनिट टू ले लेंगे। तो थैंक यू सो मच टू ऑल, तो मिलते हैं, ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय, ओके।